सेक्शन में जरूर बताना ओके पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ भारत में ही पूछ रहा है तो अल्मीडा हुआ था इसको याद कैसे रखते हैं पहले अल्मीडा आएगा फिर हम बुक लाएंगे अल्मीडा को पहले लाते हैं ना उसके बाद बुक लाते हैं ना अलमीरा में रखने के लिए तो अल्मीडा आएगा फिर अलबुकर आएगा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ और 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा 1509 में अल्मीडा ने टर्की गुजरात मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था द्वीप जो है द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे और यही है और उसके बाद इसके बाद कौन आएगा अल्मीडा के बाद अल्बुकर का आएगा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग पुर्तगाली लोग करते थे बहुत बार पूछा है बीपीएससी में याद कर लेना इसको अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था तो हॉकिंस को सम्मानित किया था हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ही आया था और हम लोग इसमें आंसर आपको यहीं पर दिख रहा है इससे ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं चल रहा हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को ताकि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना हो कन्फ्यूजन ना हो चौथा है कि भारत में सोलह सौ बारह ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी तो सूरत में स्थापित की थी सूरत में सोलह सौ बारह ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कैप्टन विलियम हॉकिन सूरत से मुगल दरबार 1608 सौ ईस्वी में पहुंचा किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका सोलह सौ ग्यारह में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वावली पहुंचकर मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया अब अंग्रेजों ने पैर जमाना शुरू कर दिया पांचवा क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था यह सरसठवीं बीपीएससी में पूछा है तो किसके समय में आया था जहांगीर के समय में आया था सर थॉमस रो सोलह सौ सो पंद्रह में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमसरो सोलह सौ सो पंद्रह में सूरत पहुंचा और जनवरी सोलह सौ सोलह में अजमेर से में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था छठा क्वेश्चन पे चलते हैं छठा क्वेश्चन क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी तो कब किया था बताओ जल्दी बताओ सोलह सौ बत्तीस ईस्वी में स्थापित किया था सबको पता होगा ये चीज़ पता भी होना चाहिए बीपीएससी की तैयारी के लिए रटा होना चाहिए सब क्वेश्चन एवरग्रीन है हर साल ही पूछे जाते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास के किसी मानक पुस्तक या अन्य सोलह सौ बत्तीस में पटना डस्ट फैक्ट्री का स्थापना कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हुआ है किंतु बीपीएससी इसको सोलह सौ बत्तीस ही मानती है और बार बार ये प्रश्न पूछती है तो रट लो सातवें में निम्नित तो में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था इसका कारण क्या था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण कर लिया था तात्कालिक कारण यही था इसी ने ट्रिगर किया था इस युद्ध को कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ है सत्रह सौ छियालीस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध जो सत्रह सौ में हुआ था उसका विस्तार था कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के का कारण जो अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे उसी का विस्तार था भारत में भी बस यही है और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अमरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में दस हज़ार भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आडियार नदी पर स्थित सेंट थोबे नामक ना स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया था यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक में भी युद्ध समाप्त हो गया था आठवां क्वेश्चन है कि सत्रह सौ का प्रसिद्ध वॉन्डी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था वॉन्डी का युद्ध यहाँ पर कुछ युद्ध दिए हुए हैं अंबर का युद्ध अगस्त सत्रह में हुआ है मुजफ्फरपुर चंदा साहिब और जंग चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी जंग दक्कन का सूबेदार बन गया इसके उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुपले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया था ओके फिर पलासी का युद्ध कब होता है सत्रह सौ ईस्वी में होता है अंबर का युद्ध सत्रह सौ उनचास ईस्वी में होता है वॉन्डी का युद्ध सत्रह सौ साठ ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में होता है ये सब युद्ध आपको पता होगा बक्सर का युद्ध मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्ला और मुगल सम्राट शाहलम द्वितीय की संयुक्त सेना को कौन हराता है क्लाइव और हेक्टर मुनरो इसी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नहीं तो हेक्टर मुनरो ने किया था उसके बाद क्लाइव के साथ इनकी संधि होती है ओके हेक्टर मुनरो ने हराया था बक्सर के युद्ध में इनको निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था तो थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावली पहुंचा और मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति ले लिया और उसके बाद ही इन दोनों में युद्ध हुए फिर उसने हरा दिया उसको पुर्तगालियों को दसमा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार में सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था यूरोप के लोगों को अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था तो बिहार का क्षेत्र प्रसिद्ध था इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप, उप दीवान किसे बनाया था सबको पता होगा मुर्शिदाबाद की उपदीवान बना रहा है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया गया था बाद में फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद राजा खां मोहम्मद राजा खां बंगाल के लिए बिहार के लिए राजा राय अगला क्वेश्चन है कि शाह आलम सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान की बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान की बक्सर युद्ध के बाद ही प्रदान करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बारह अगस्त सत्रह सौ पैंसठ को इलाहाबाद की दूसरी संधि उसने किसके साथ की आलम के साथ की थी और उसको अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया और बोला कि इसकी दीवानी मुझे दे दो इलाहाबाद में रखा गया इलाहाबाद और करा के क्षेत्र नवाब के लिए छोड़ दिए गए इससे आप उपजा के खाओ अपना जिंदगी जियो हमें बस दीवानी दे दो बंगाल बिहार उड़ीसा की और कंपनी द्वारा सम्राट को छब्बीस लाख रुपये दिया जाना था तथा तो निजामत के व्यय के लिए कंपनी को तिरपन लाख रुपये देना था इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा सत्रह ईस्वी में अंधा कर दिया गया उसको शाह आलम द्वितीय के समय में अठारह में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया चौदह नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहां से कहां तक कहां से कहां तक थी इसमें बोला जाता है कि दिल्ली से चांदनी चौक से पालम तक ही थी कई बार क्या बोला था है कि दिल्ली में जो लाल किला है ना वहाँ से पालम हवाई अड्डा तक उसकी सीमा थी मात्र चौदह का आंसर यहाँ पर क्या दिया है दिल्ली तथा तो पालम तक ही थी उसकी सीमा इसमें कोई आंसर इस स्पेसिफिक नहीं मिल पा रहा था उसको इसीलिए उसने छोड़ दिया है ई मार देता कोई नहीं मिल रहा था तो क्यों क्योंकि कोई नहीं तो तो भी तो ही होगा ओके उसके बाद क्या दिया है सिक्योरिटी से दिल्ली और लाल किला पालम तक ही रह गया था रंजीत सिंह ने हाँ इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था बीपीएससी ने इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है इसमें रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे शाह सुजा से, से अफगानिस्तान का शासक था शाह सुजा वहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको श्रीरंगपट्टनम को श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान अगला है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी तो टीपू सुल्तान के साथ की थी सबको पता होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सत्रह सौ नब्बे बिरानवे का आवशन श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा हुआ था

ठगों को उन्मूलन के लिए लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था विलियम बैंटिक ओके आगे चलते हैं और ठग आज जैसे ठग नहीं होते थे पैसा ठग के भागे गर्दन काट के काली माता को चढ़ा देते थे बंगाल में शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हटाया कब जाएगा सत्रह में किसके द्वारा जो आ, एक्ट आता है उसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू की गई थी शासन का जनक किसे माना जाता है तो सर लियोनिस कार्टिस को सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है दो लोग मिलकर शासन करते हैं कि तुम दीवानी चला लो मैं फौजदारी चलाता हूं पैसे मैं वसूलूंगा तुम नाम मात्र का शासन कर लो इसी को द्वैध शासन कहा जाता है दो लोग मिलकर शासन करते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना मुंगेल का बरहिया ताल उद्देश्य बकाश्त भूमि की वापसी को लेकर आंदोलन चलाया गया था कार्यानंद शर्मा जी का नाम आता है उन्नीस से उन्नीस जरूर याद रखना दो नाम कार्यानंद शर्मा और डेट याद रखना उन्नीस से उन्नीस सौ बकास्त भूमि आंदोलन और मुंगेर बरहिया ताल अठारह सौ में भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनिंग था सबको पता होगा और इस भारत का प्रथम वाइस भी फिर यही बना है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी तो इसको शामिल किया गया था दिसंबर अठारह में शामिल किया गया और अगले साल ही विद्रोह हो गया अठारह में याद रखने का एक तरीका होता है कि विद्रोह से ठीक एक साल पहले दिसंबर में लागू किया गया था अठारह सौ के विद्रोह का नेतृत्व तो तो बिहार में किसने किया था बाबू कुमार सिंह ने किया था हर बार ये क्वेश्चन आता है हर साल पूछता है हर साल हर साल का मतलब हर साल इसका भी कुमार सिंह ही हो जाएगा फिर से वही क्वेश्चन पूछा जगदीश का किस व्यक्ति ने तो कुमार सिंह ने बार बार एक ही क्वेश्चन दे रहा है ये कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के जगदीशपुर के जमींदार थे बहुत बड़े अठारह सौ संतावन के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे फिर से वही घटिया सा क्वेश्चन जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह कहां से शामिल हुए थे कुंवर सिंह अलीजू खिलाफ अठारह सौ संतावन के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे तो आरा में शामिल हुए थे आरा इसमें से किसने अठारह संतावन के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था ये पूछा है आपसे सक्रिय भाग इन सब ने लिया था नाना साहेब कानपुर में बेगम हजरत महल लखनऊ में भाग ले रही थी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के तरफ थे और बी बेगम जीनत महल दिल्ली में थी इसका आंसर ई हो जाए बाबू कुमार सिंह कहाँ थे बाबू कुमार सिंह थे आरा बिहार के इलाकों में किसी को अठारह सौ संतावन डिटेल में पढ़ना हो तो हिस्ट्री लेक्चर नामक प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ प्री और मेन्स दोनों के लिए पटना के अठारह संतावन के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे तो राजपूत कुमार सिंह राजपूत नहीं बाबू कुमार सिंह अठारह संतावन के विद्रोह का बिहार में पंद्रह जुलाई अठारह संतावन से बीस जनवरी अठारह सौ अंठावन तक का केंद्र कौन सा था तो जगदीशपुर ही रहा था केंद्र उस समय क्वेश्चन याद जरूर याद रखना डेट वाइज जगदीशपुर के राजा कौन थे कुंवर सिंह थे कुंवर सिंह राज विद्रोह का नेतृत्व तो किस प्रांत से किया था बिहार से किया था अठारह संतावन के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा है चलो यहीं तक पूछा था अड़तीस नंबर क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं लिम्बित में कौन अठारह सौ संतावन के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था सारे तो कट्टर दुश्मन ही थे इसमें ये क्या क्वेश्चन हुआ मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के विद्रोह में ये थे इनको सबसे कट्टर दुश्मन बोला है किस तरह का घटिया क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी कभी कभी उसी का उदाहरण है ये ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे वह मूलतः तमिलनाडु का अरकाट के रहने वाले थे वह फैजाबाद में आकर बस गए थे उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायों का आहवान करते हुए कहा कि सारे लोग काफी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक हो जाओ कौन थे मौलवी शाह फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अठारह सौ के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था गालिब ने देखा था गालिब दिल्ली में रहते थे निम्न से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था विद्रोही बनाने का कारण एक इनमें से कौन सा नहीं था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास बिल्कुल सही है इसके कारण विद्रोह हुआ था जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश इसके कारण नहीं बोला था बोलते थे जहाज पर हम जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा हम नहीं चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ेंगे बोलते थे तुमको चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ना पड़ेगा है ना तो इसलिए भी विद्रोह हुआ था भत्ते की रोकथाम भी हो गई थी अधिकारिक अक्षमता ये सबसे खराब कारण है इसके कारण विद्रोह नहीं हुआ था अंग्रेज बड़े अच्छे अधिकारी होते थे अपने सरकार के लिए हमारे लिए बहुत खराब निम्नलिखित वर्गों से किसने अठारह के विद्रोह में भाग नहीं लिया था ये पूछा है आपसे तो साहूकार ने भाग नहीं लिया था साहूकार तो मदद कर रहे थे और जमींदार कुछ कुछ ज़मींदारों ने लेकिन भाग लिया था ओके जैसे बाबू कुंवर सिंह भी तो एक ज़मींदार थे तो उसका दूसरा और चौथा हो जाता बयालीस एन एम के कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है अठारह सौ संतावन में दरभंगा डुमराव हाटवा के महाराजाओं उनके साथी ज़मींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी बिल्कुल सही कह रहा है बिल्कुल सही हाँ तो यही इसका आंसर हो जाएगा इन सब ने मदद की थी दरभंगा डुमरा और हाटवा के महाराजाओं ने इसके अलावा कौन कौन ग्वालियर उसके बाद से पंजाब पंजाब के बाद कौन हो जाएगा आ, नेपाल इन सब ने मदद किया था अंग्रेजों का कैनिंग ने क्या बोला था अगर देसी राजा हमारी मदद नहीं करते तो हमें अगले ही दिन भारत छोड़कर जाना पड़ जाता अठारह सौ के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था ये पूछा है आपसे तो इसका हो जाए केवल पाँच मुंगेर का भाग अप्रभावित रहा था बाकी सब जगह इनमें से विद्रोह हुए थे देखो सब पटना काट देना दानापुर आरा इन तो पता ही है मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय विद्रोह हुआ था अठारह सन्तावन के समय पटना में कौन थे यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा पीर अली पुस्तक बिकेतरा ने विद्रोह का नेतृत्व किया था ग्रामीण जनता के बीच हुकूमत अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था तो पीर अली कहाँ के थे पटना के पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था अठारह सौ का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल का नाम आता है इसको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है बेगम ऑफ अवध फिर ये कहाँ चली गई थी फिर ये नेपाल चली गई थी अठारह सौ का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा हिंदू मुस्लिम एकता की कमी किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और इसमें क्या सब दिया है भाई जमींदारों की सहभागिता तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा सबसे अच्छा इसका आंसर हो जाएगा कोई भी योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव था सबके अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे जब हम आलोचना करते हैं अठारह के विद्रोह की तब तो हम यही बोलते हैं पक्ष विपक्ष दोनों पता होने चाहिए आपको लिखने के काम आएगा अठारह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा कथन दिया है ये कारण दिया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के साथ उसका साथ देने से कतरा गए क्या ये सही होगा छियालीस का क्या आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है और इसका वो बता रहा है कि स्पष्टीकरण भी है ये आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की अब क्या होगा कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया अब क्राउन का डायरेक्ट शासन शुरू होगा भारत का गवर्नर जनरल जो है उसको वाई कहा जाएगा वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि पात्र बनकर रह जाएगा तो एक नवम्बर अठारह को उन्होंने घोषणा की कि अब आप लोग मेरी प्रजा हो वगैरह वगैरह अब आप लोग भी गाओ लॉन्ग लिव क्वीन अट्ठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया देखो बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था उन्होंने बोला कि यहाँ सब सिपाही मत लो ये लोग विद्रोही होते हैं तो कहाँ से चयन करेंगे वो गोरखा सिख पंजाबी और उत्तर प्रांत समझ गए ना गोरखा लोगों ने भी मदद किया था पंजाब के शासकों ने भी मदद किया था इसीलिए वहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया लेना उनचास से निमिखित में किसने अठारह सतावन के विद्रोह को एक षडयंत्र की संज्ञा दी थी तो सर जेम्स ऑट्रम और डब्लू टेलर जेम्स ऑट्रम ही था जेम्स और जेम्स ऑट्रम और डब्लू टेलर सॉरी इन दोनों ने ही किया था इसने षडयंत्र की संज्ञा दी थी दिल्ली के लाल किला का म्यूजियम कभी घूमने जोम, जाना अठारह सौ के विद्रोह से संबंधित बहुत सुंदर चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी अठारह सौ संतावन के विद्रोह का किसने किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने पहली बार इस पर किताब लिखा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अठारह सौ संतावन का संग्राम पचास का आंसर ए हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर इनके बुक का क्या नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एटीन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एटीन फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा आयोग अठारह संतावन के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है तो पील आयोग जब भी आए तो कौन सा आयोग तो आयो। तो आयो होगा पील आयोग को बनाया गया कि भाई तुम देख के बताओ कि विद्रोह हुआ क्यों सेना में इसने क्या बोला कि सैनिकों की संख्या कम करो पहले पांच भारतीय सैनिकों पर दो ही ब्रिटिशर सैनिक होते थे अब क्या बोला कि तीन भारतीय सैनिक करो दो ब्रिटिशर सैनिक करो है ना सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों का पहले अनुपात एक अनुपात दो होता था एक पर दो भारतीय होते थे अब एक पर तीन कर दिया गया एक यूरोपीय तीन जबकि मद्रास और बंबई में अनुपात एक अनुपात तीन ही रखा गया बाकी जगह पर क्या कर दिया मैं यहाँ पर एक करेक्शन करता हूँ मैंने जल्दबाजी में कुछ और बोल दिया कि बंगाल और यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या होगा बंगाल के इलाके बिहार के इलाके में एक यूरोपीय सैनिकों पर दो भारतीय सैनिक क्योंकि मद्रास प्रांत में अठारह सौ के विद्रोह का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा था इसलिए वहाँ पर क्या बोला गया कि एक अनुपात तीन ही रहने तो पहले यही चलता था तीन भारतीय सैनिकों पर एक यूरोपीय सैनिक तो वो वहाँ का वहाँ वैसा का वैसा ही रहा लेकिन बिहार बंगाल में एक यूरोपीय सैनिक पर दो भारतीय सैनिक कर दिया गया अनुपात बदल दिया गया पील आयोग नील विद्रोह किसके बारे में था तो इसका क्या आंसर हो जाएगा नीले रंग के सॉरी रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी इसी को नील विद्रोह था ये। इसी कारण नील विद्रोह था हुआ क्या जर्मनी में जब रेशम रासायनिक नील बनने शुरू हो गए केमिकल वाले तो उनका दाम कम हो गया इन्होंने बोला कि छोड़ दो हम नहीं करेंगे खेती इसको बोला गया कि तुमने पैसे लिए हुए हैं तुम पहले खेती करो नील कृष्कों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है तो दीनबंधु मित्र जी हैं जिन्होंने नील दर्पण पुक लिखी है बहुत फेमस बुक है ये नील दर्पण वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है तो रैयत प्रथा है वो देखो तीन प्रथा होते थे अंग्रेजों के समय में मेन रूप से रैयत वारी दहसाला प्रथा तो अकबर के समय में था जमींदारी प्रथा और महालवारी जमींदारी में क्या होता था बीच में जमींदार आ जाते थे अंग्रेज आता था और फिर ज़मींदार किसके किसके बिचौलिया होता था किसान और अंग्रेज के बीच में जमींदार बिचौलिया हो जाता था भू का स्वामी कौन होता था ज़मींदार जमींदार का काम क्या हो, होता था कि किसानों से कृषि करवाओ कर वसूलो और अंग्रेजों के पास जमा कर दो महालवारी पूरा गांव है गांव पर कर लगा दिया कि सौ रुपये इस गांव से कर लिया जाएगा अब सौ रुपये राम जी देंगे श्याम जी देंगे मोहन जी देंगे कोई भी देंगे सौ रुपये देना है पूरा गांव सौ रुपये कर इकट्ठा करके जमा करता था वो महालवारी कहलाता था रैयतवारी क्या होता था रैयत होता था कि किसान है और डायरेक्ट अंग्रेज हैं किसान को ही भूस्वामी माना गया और अंग्रेज हैं बीच में कोई बिचौलिया नहीं तो किसान क्या करेंगे उप और डायरेक्ट अंग्रेजों को कर देंगे तो तीनों व्यवस्था में सबसे अच्छा किसको माना जाता था को ये मद्रास प्रांत में लागू किया गया था ये भी याद रखना पागल पंथ की स्थापना किसने की थी तो पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने और इसका बेटा कौन था टीपू टीपू सुल्तान नहीं टीपू आगल पंथ की स्थापना करम शाह ने उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था करम शाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित यह आंदोलन था और अंग्रेजों के अत्याचार से अपने इलाकों को मुक्त करना था फराजी कौन थे तो हाजी सरियतुल्ला के अनुयायी थे फराजी फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे ये लोग अनेक धार्मिक रा, सामाजिक और राजनीतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे सरयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई यह विद्रोह अठारह सौ अड़तीस अठारह सौ के दौरान चलता रहा फराजी विद्रोह वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी तो हाजी सरयतुल्लाह जी ने फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी कूका आंदोलन किसने संगठित किया था तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कुका आंदोलन पंजाब के भागों में चला था ओके गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कब शुरू हुआ था ये 1840 के दशक में कुका आंदोलन चल रहा था 1840 एक घटना चक्र से हमने पूरे के पूरा विद्रोह पर करीब में तीन सौ करवाए हैं हिस्ट्री एम नाम से एक चैप्टर आपको प्ले मिल जाएगा उस प्ले में जाना उस पर विद्रोह से संबंधित पूरे के पूरे कर लेना विद्रोह संबंधित सारे लेक्चर भी कंप्लीट करवाए हैं मैंने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में आपको वो मिल जाएंगे है ना 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था तात्कालिक कारण पूछा है तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर उस समय दक्कन के दंगों का प्रमुख कारण था तात्कालिक का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी तो रामोसी की बात जब यह आएगी तो वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से तिरासी के आसपास तक इन्होंने ये चीज़ किया था रामोसी जनजाति के लोग संगठित कर प्रशिक्षित लड़ाकू बल में उनको बना दिया था और इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था तो पश्चिमी घाट का इलाका महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है बिल्कुल वहीं पर हुआ था बधेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था वघेरा विद्रोह तो ये बड़ौदा में हुआ था बड़ौदा गुजरात में बघेराओं का विद्रोह हुआ था कब हुआ था अठारह सौ अठारह ईस्वी के आसपास हुआ था और क्यों किया था इन्होंने विद्रोह तो बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कार्य एकत्रित करने का प्रयास किया था इसीलिए वहाँ पर विद्रोह हुआ था मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था तो खोड जनजाति थी जिसमें मानव बलि प्रचलित थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था जब मानव बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था तो बहुत बार हुआ है तो इसने क्या दिया है कोल विद्रोह हुआ अठारह सौ इकतीस बत्तीस संथाल पचपन छप्पन और मुंडा विद्रोह अठारह सौ नानवे में हुआ है तो इसलिए बहुत बार छोटा जनजाति विद्रोह हुआ है छोटा नागपुर के जनजातियों का 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालों ने संथाल विद्रोह जब हुआ तो कैप्टन मे, मेजर बारो को उन्होंने हरा दिया था 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो सिद्धू और कानू ने इसके दो और भाई थे चांद और भैरव सिद्धू कानू चांद और भैरव ने किया था के वी सी से जब मैंने विद्रोह पढ़ाया हुआ है और स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से विद्रोह लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री लेक्चर नामक प्ले में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर उसको जरूर देखना मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब तो अठारह में बिरसा मुंडा का नाम आता है अठारह में गिरफ्तार होते हैं उन्नीस सौ ईस्वी के आसपास उनकी मौत हो जाती है जेल में ही उल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था तो बिरसा मुंडा जुड़ा हुआ था यूपीएससी दो हजार का क्वेश्चन है उल विद्रोह के बारे में सीधा सीधा ऐसे ही पूछा उल विद्रोह क्या है यूपीएससी उन्नीस बीस का क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का, का कार्यक्षेत्र कौन सा था आपको सब सबको पता होगा रांची का कार्यक्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र अठारह सौ निन्यानवे उन्नीस ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था तो आपको पता होगा कौन था बिरसा मुंडा थे मुंडा क्रांति है तो कौन होगा बिरसा मुंडा होंगे भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे तो झारखंड के पक्ष में थे क्या क्वेश्चन है बताओ अठारह सौ इकतीस में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की बात कर रहा है तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है उसमें हुआ था बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम पलामू हजारीबाग मानभूम क्षेत्र में हुआ था ओके हौज विद्रोह का हुआ था कब तो अठारह के दौरान हुआ था कहाँ पर हुआ था संथालों के परगना में ही हुआ था और फिर 1855 में भी संथाल विद्रोह होगा फिर संथाल परगना को अलग ही कर दिया गया था चौहत्तर किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था तो इसका आंसर हो जाएगा सब जगह किया था इसमें तो बिहार सिंध कठियावाड़ा पंजाब पंजाब को छोड़कर इसका आंसर ई हो जाएगा इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी बगावत नहीं की थी इसका आंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद का निजाम ने बगावत नहीं की थी बाकी विजयनगर के राजा का विद्रोह आपको पता ही है पॉलीगारो का विद्रोह भी है त्रावन कोर के थम्पी का भी विद्रोह है है ना तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसको जरूर याद रखना बंकिमचंद चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है बेहतरीन किताब पतला सा है लेकिन सबको पढ़ना चाहिए तो किस क्या हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का बंदे मातर यहीं से लिया गया है गीत अफगानिस्तान के प्रति आक्रमक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी तो इसका क्या हो जाएगा आंसर लॉर्ड लिट्टन ने वर्णाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के समय में ही आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दिल्ली दरबार का आयोजन भी इसी के समय में किया गया था लॉर्ड लिट्टन के समय में और हथियार रख नहीं रखने का एक्ट भी इसी के समय पारित किया गया तो भारतीयों को हथियार नहीं रखने का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि देसी भाषा के समाचार पत्र वर्णाकुलर का मतलब ही होता है देसी भाषा तो वर्नाकुलर भाषाएं है जो हैं देश की उनकी भाषा के समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाई थी इसने लिटन ने और इसके अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी इसने अठारह का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके किसने रद्द किया था तो देखो लिटन के समय में लाया गया और रिपन क्या करेगा उसको रद्द कर देगा लिटन के ठीक बाद रिपन आता है रिपन लॉर्ड रिपन रद्द करेगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में जारी किया गया था तो जमीन किसके साथ किया गया था तो ज़मींदारी व्यवस्था को ही अस्थाई व्यवस्था भी कहा जाता है इसको सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है और किसके समय में लागू हुआ था ये तो ये लागू हुआ था कर्नवालिस के समय में सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में सेवेंटीन नाइन्टी थ्री ईस्वी में तो ज़मींदारों के साथ हुआ था बाकी तीनों भू व्यवस्था मैंने ऊपर एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अस्सी नंबर क्वेश्चन है बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था बिहार में लागू करने का कारण क्या था भू राजस्व का निर्धारण निर्णय करना भू राजस्व का निर्णय करना यही कारण था कि पूरे देश में कहीं भी जमींदारी व्यवस्था जो लागू की गई ना परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था को ही कहा गया है और इसको वो भी कहा गया सूर्यास्त कानून भी कहा गया ये भी याद रखना तो भू राजस्व के लिए ही था रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी ऊपर ही मैंने बताया था मद्रास प्रांत में लागू की गई थी तमिलनाडु के महल क्षेत्र में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद यह व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई बम्बई प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनोरो का संबंध रैयत से है टॉमस मुनरो मैकेजी का संबंध महालवारी से है कर्नवालिस का संबंध जमींदारी व्यवस्था से है तीनों का नाम भी याद रखना टॉमस मुनरो का संबंध रैयत से और कर्नवालिस का संबंध किससे है ज़मींदारी से और मैकेजी का संबंध महालवारी से है डैश बिहार और बंगाल की भूमि किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया तो अठारह में बंगाल और बिहार के लिए टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया है किराएदारी अधिनियम वो अठारह में पारित किया गया है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी अठारह ईस्वी में बम्बई में स्थापना की थी अठारह में उन्होंने अखंड खंडनी पताका भी लहराई थी ओके okay, आर्य समाज की ये क्या बोलते थे वेदों की ओर लौट चलो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की थी गिरीश चंद्र घोष हरीश चंद्र मुखर्जी उसके बाद से आएगा एस एन बनर्जी शिशिर कुमार घोष तो शिशिर कुमार घोष जी ने अठारह सौ के आसपास 75 पचहत्तर के आसपास ही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी अड़सठ के आसपास ए बी पी अमृत बाज़ार पत्रिका की प्रकाशन शुरू किया था और अठारह में जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो रातों रात ये मतलब देसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होगी क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया तो सिर्फ देसी भाषा में प्रतिबंध लगाया गया तो इसने क्या किया रातों रात अंग्रेजी में छापने लग गई निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो लीडर लीडर अखबार जो था वो उदारवादियों के प्रचारक था फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे मालवीय उदारवादी दल के नेता थे इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे और मालवीय जी का नाम विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में भी आता है ओके उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्यक जनसंख्या में किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था इसका आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन हो जाएगा बुद्धिजीवियों को नगरीय उच्च जातियों को निर्धन साधारण वर्ग को ओके सतासी है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता और इतना सारा इनको कहा जाता है पीटीएफ में पढ़ लेना निम्नलिखित तो में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय जी आत्मीय सभा के संस्थापक थे अठारह सौ ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज वगैरह सब इन्हीं इन्होंने स्थापना किया था ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त अठारह सौ अट्ठाईस को ब्रह्म समाज नाम से एक समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया ब्रह्म सभा इन्होंने बनाया था राजा राम मोहन राय जी ने जिसको ब्रह्म समाज आगे कर दिया गया और मूर्ति पूजा वगैरह कर्मकांड का विरोध करते थे ये लोग है ना इसमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा अठारह में किया था राजा राम मोहन राय जी द्वारा कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना तो अठारह सौ अट्ठाईस ईस्वी में जिसका पहले नाम क्या था ब्रह्म सभा नाम था बाद में ब्रह्म समाज पर गया नाम कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ये लोग सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था तो विलियम बेंटिक के समय में किसकी मदद से किसने जोर दिया था इस पर राजा राम मोहन राय जी ने ही सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था 92 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आत्मा राम पांडुरंगा जी अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में बंबई में उन्होंने केशव चंद सेन की प्रेरणा से लेकर केशव चंद सेन जिनका ब्रह्म समाज में भी नाम आता है उसके बाद उन्होंने अप्रार्थना समाज की स्थापना की थी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे तो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने भाषण दिया था रामकृष्ण मिशन की अठारह सौ संतावन में इन्होंने स्थापना की थी अठारह सौ तिरानवे में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था सर्वधर्म सम्मेलन में चौरानवे नंबर है कि इनमें से किसने ने अठारह सौ तिरानवे में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है तो अठारह सौ संतानवे में की है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1901 या 2 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1902 सौ ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई ध्यान सरस्वती द्वारा स्थापित किया था तो आर्य समाज की स्थापना अठारह में बंबई में किया था उन्होंने ओके आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था वेदों की ओर लौट चलो वो सब आर्य समाज के बारे में दिया हुआ था है ना सिक्स नंबर क्वेश्चन कहाँ गया ये रहा हाँ नाइन्टी सेवन ये रहा किसने अठारह सौ तिहत्तर में सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ज्योतिबा फूले का नाम आता है ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज गुलामगिरी इन्हीं के पुस्तक का नाम है ओके सत्यशोधक समाज की जिन्होंने स्थापना की थी जाति पात के खिलाफ जो आंदोलन था उसके प्रबल नेता थे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो ज्योतिबा फूले का नाम आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम एच पी बिलावस्की का नाम आता है फिर इसमें बाद में एनी बेसेंट जी जुड़ जाती है मैडम एच पी बिलावस्की अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अटकाट के साथ अरकाउट के साथ मिलकर इन्होंने किया था अठारह न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी अठारह में भी आर्य समाज की भी स्थापना हुई है और अठारह मद्रास के अडियार नामक पर इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है यह बहुत बार पूछा है आपको याद होना चाहिए बाद में एनी बेसेंट बी से जुड़ गई थी और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीपति एनी बेसेंट हो जाएगा सब है ना जो बाकी लोग पढ़ के जा रहे उस तरह तो, तो कम से कम पढ़ के ही जाना चाहिए इसलिए उन क्वेश्चन को जाके जरूर करना आज का क्वेश्चन है पहला कि भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी फिर से वही क्वेश्चन पूछा है तो कौन हो जाएंगी एनी बेसेंट और अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू जी इसका आंसर हो जाएगा ओके ये देखो यहाँ पर ये पूछा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष छियासठवीं पैंसठवीं में पूछा और सड़सठवीं में पूछा हर साल एकाध क्वेश्चन इस तरह के टकराते हैं भारत में नांदी नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था तो ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था सावित्री बाई फूले और दलित समाज के लिए महिलाओं के बच्चियों के लिए स्कूल खोलने का श्रेय बड़ा इनको जाता है जब ये घर से अपने स्कूल के लिए जाती थी दो कपड़े लेकर जाती थी क्योंकि रास्ते में सावित्री बाई फूले पर लोग कीचड़ और पत्थर फेंकते थे जिससे उनका कपड़ा मैला हो जाता था फिर वो स्कूल जाकर अपने कपड़े को बदलती थी है ना तो इतना बड़ा बलिदान दिया था उन्होंने ज्योतिबा फूले का नाम किस लिए आता है सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक लिखने के लिए ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए के स्कूल खोला यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था आधुनिक भारत महिला आंदोलन की प्रणेता रमाबाई रनाडे रही हैं रमाबाई रनाडे का भी नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्री रमाबाई रनाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी यहाँ पर दोनों फैक्ट्स आपको मिल गए सावित्रीबाई बाई फूले के बारे में मैंने बता भी दिया आपको और यदि विकल्प ए में रमाबाई का नाम होता तो यही उत्तर होता लेकिन विकल्प के अनुसार यहाँ पर सबसे सटीक आंसर क्या होगा तो ज्योतिबा फूले होगा प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई मजदयासन सभा के निमित विकल्प हमसे सही को चुकी हैं तो सत्यशोधक समाज का भी मैंने बताया कौन थे ज्योतिबा फूले जी थे है ना तो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रार्थना समाज कौन है आत्माराम पांडु रंग हो जाएगा यंग इंडिया उसके बाद से लोकहितवादी है लोक हितवादी किन था लोक था उनका आ, नाम भूल रहा हूँ मैं इसका आंसर बी दिया है आत्मारंग रंग पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल हरि देशमुख का था लोक इनका मैं नाम भूल रहा था और सत्यशोधक समाज तो अभी मैंने बता ही दिया ज्योतिबा फूले और नेहरोजी फरदोन जी और दादा भाई नेहरोजी जो थे उन लोगों ने मिलकर क्या बनाई थी रहनुमाई मजदे आसन सभा ये पारसी धर्म सुधारक आंदोलन था एक और संगठन था पारसी सुधार आंदोलन का है ना रहनुमाई मजदे आसन सभा आगे चलते हैं नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पर आया था सामने तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन क्या था ये 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया प्रतापगढ़ जिले के जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन संगठित कार्रवाई की पहली घटना हुई थी आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा था बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडोरी संभाली फिर अवध किसान सभा के गठन में बाबा रामचंद्र जी का नाम आता है अवध किसान सभा की बात हो रही है यहाँ पर बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में उन्नीस में इनका जन्म हुआ था मेन ये क्या था कि किसानों जब आंदोलन चला रहे थे किसान लोग तो जो लोग किसानों का विरोध कर रहे थे आंदोलन का विरोध या जो लोग अंग्रेजों का समर्थन बयान दे रहे थे उनके यहाँ नाई धोबी वगैरह सब उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया हम आपके काम नहीं करेंगे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया ये उन्नीस सौ ईस्वी में पारित किया गया है इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी में इसको याद रखना अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था सरकार को लगान देना बंद करना जमींदारों का अधिकार की रक्षा करना सत्याग्रह की समाप्ति लगान का नगद में परिवर्तन कराना एक आंदोलन के नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियां मुख्य रूप से कहा थी हरदोई बहराबंकी बहराइच और सीतापुर जो लखनऊ के आसपास का इलाका है वहाँ पर किसानों की मुख्य शिकायतें लगानों में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान की बढ़ोतरी उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर थी उपज जो था उसी के रूप में लगान वसूल कर लेते थे और पूरा का पूरा उपज उनका चला जाता था इसी को उन्होंने क्या बोला किसानों में पचास पैसा अधिक लगान वसूल किया जा रहा था मतलब सौ रुपया का अगर उन्होंने उत्पादन किया तो पचास रुपया उनसे छीन लेती थी अंग्रेजी सरकार इसी के खिलाफ ये पहली बार आंदोलन हुआ था एक आंदोलन मदारी पासी का नाम जरूर याद रखना और अवध का इलाका लखनऊ के आसपास के इलाके में ये आंदोलन हुआ था स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था तो बिहार के किसान आंदोलन से था एक्चुअली मैंने कहा देश के ही किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित हैं तो फिर से वही हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन इनमें से बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है राजेंद्र प्रसाद जी एक किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं बिहार में और पंडित नेहरू जी कहाँ के कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे तो यूपी यूपी अवध किसान सभा के उनमें भी वहाँ पर भी नेहरू जी का नाम आता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ओके आगे चलते हैं अवेलाजली वगैरह का क्या था वेलाजली का था सहायक संधि सहायक संधि का जन्मदाता किसको माना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुपले को माना जाता है डुपले और वेलजली का क्या था सहायक संधि था डलहौजी का क्या था हड़प नीति था और वॉरन हेस्टिंग्स का अभी हमने देखा क्या था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था तो आपको पता होगा सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके द्वारा बंगाल में रेगुलेटिंग द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है तो वॉरन हेस्टिंग्स का नाम आता है शुरू किसने किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था और द्वैध शासन का प्रणाली का जन्मदाता किए उसके माना जाता है तो लियोनिन लियोनिन कार्टिस को लियोनिन कार्टिस को माना जाता है कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया है ऊपर जाकर जरूर देखना पी आपको चैनल पर मिल जाएगा स्टडी फॉर यू पी चैनल पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लॉर्ड बेलाजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था ओके और ये रहा क्रम सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार करेगा फिर मैसूर उसके बाद से तंजौर फिर अवध फिर पेशवा फिर बरार के भोसले फिर सिंधिया फिर जोधपुर और जयपुर मछेरी बूंदी भरतपुर इसको सिक्वेंस में कम से कम ये ज़रूर याद रखना कि हैदराबाद प्रथम है क्या हैदराबाद सरकार ने इसके खिलाफ़ निजाम ने कोई प्रतिक्रिया की थी नहीं हैदराबाद प्रथम है और जब हरप नीति की बात आएगी तो सतारा प्रथम था उसमें डलहौजी द्वारा हरप नीति में सतारा प्रथम था और वेलजिली द्वारा सहायक संधि में हैदराबाद प्रथम था इसको ज़रूर याद रखना सब लोग महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्यी कब नियुक्त किया गया है तो 1877 सौ ईस्वी में 1877 सौ ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था आपको पता होगा लिट्टन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जिसने वर्ना क्लर प्रेस एक्ट लाया था और आर्म्स एक्ट भी लेके आया था और दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था उसने तब करवाया था दिल्ली दरबार का आयोजन जब देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था अकाल से संबंधित एक और आयोग का नाम पढ़ते हम कौन सा स्ट्रेची आयोग स्ट्रेची आयो तो लिट्टन के समय में ही भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था क्राउन का शासन कब घोषित किया गया तो अठारह ईस्वी में किया गया था लेकिन साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया अठारह ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजित करके किया गया लिट्टन के समय में अकाल पड़ा हुआ तो बस बाकी सब मैंने पढ़ दिया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जब भी आएगा तो फिरोज साह मेहता का नाम ही आता है और इसमें किसका किसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज सा मेहता फिरोज साह मेहता ए ऑप्शन में था अभदरुद्दीन तैयब जी डी ऑप्शन में है इसका ई हो जाएगा फिरोज सा मेहता के टी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के टी तेलंग भी थे ना ऑप्शन में यहाँ पर देख लो तो ए बी और यहाँ पर कौन सा था डी तीनों ही सही होगा जरूर याद रखना अठारह में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई है फिरोज सा मेहता के टी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे इसका जब भी नाम तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस जी का नाम आता है एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी का नाम आता है कब किया था अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में इन्होंने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और इसका मुख्य मांग क्या था सिविल सेवा आयोग कम करने संबंधी मांग थे इनके अठारह में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस था तो इसका आंसर यही होगा आनंद मोहन बोस रहते तो ई ऑप्शन मारते हम लोग एक सौ सत्रह हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल ही था इंडियन एसोसिएशन बंगाल ही था ओके तो उसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए यहीं पर अठारह में उसकी स्थापना हुई थी सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था अठारह में उनको हटाया गया और अठारह में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी दो वर्षों बाद राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने बोला कि राजनीतिक सुधार जरूरी होता है राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले नेता तो राजा राम मोहन राय भी थे इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है भारतीय प्रेस का भी पिता कहा जाता है भागृति जा, जागृतिवाद का भी पिता कहा जाता है इनको है ना तो लोगों के अंदर चेतना जगाना ओके मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है इसकी स्थापना अठारह में हुई है इनमें से कोई सभी ऑप्शन नहीं होगा सबसे अंत में इसी का स्थापना हुआ है बंबई कलकत्ता और जो जो एसोसिएशन मद्रास एसोसिएशन उसके बाद से इंडियन एसोसिएशन उसके बाद से बॉम्बे नेटिव एसोसिए अभी हमने तो पढ़ा ना बॉम्बे एसोसिएशन तो उन तीनों में सबसे अंत में मद्रास महाजन सभा की ही स्थापना हुई है तीनों महानगर जो थे उस समय भारत के दिल्ली उस समय कोई नगर नगर नहीं था बड़ा महानगर तो उसमें सबसे में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ इतनी बार सिक्वेंस लगाने को आपको दे देगा तो वहाँ पर यह याद रखना कि मद्रास को सबसे अंत में रखना है और सबसे पहले रखना है इंडियन एसोसिएशन को तो इसमें कौन कौन थे इनका नाम पढ़ लेते हैं वी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चारलू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जी, जी इसमें भाग नहीं ले पाए थे क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन के किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब की गई थी तो अठारह सौ में, में की गई थी बम्बई में तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे तो डब्लू सी बनर्जी विमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना की थी तो एओ ह्यूम का नाम आता है ये इंग्लैंड के एक ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे उनका ही ये था पहले इसका नाम क्या था इंडियन नेशनल यूनियन नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बाद में इसका दादा भाई नरोजी ने नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे तो अभी फिर से आएगा एओ ह्यूम थे एओ ह्यूम प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी वेमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो एक सिविल औसैनिक सेवक थे सिविल सेवक थे है ना असैनिक मतलब वो क्या होता है नॉन मिलिट्री सेवक थे एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था तो बम्बई में हुआ था अभी मुंबई नाम है उसका बम्बई में हुआ था बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा सी दादा भाई नरोजी ने, ने की थी प्रथम किसने की थी तो डब्ल्यू सी बनर्जी दूसरे दादा भाई नरोजी ने, ने अठारह में कलकत्ता में हुआ था पहला कहाँ पर हुआ बंबई में हुआ दूसरा कलकत्ता में होगा तीसरा मद्रास में होगा ओके और महात्मा उसके बाद इन्होंने कब किया है अधिवेशन की अध्यक्षता तो अठारह अठारह सौ छियासी और उन्नीस सौ छह तीन बार दादा भाई नरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है उन्नीस सौ छह में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था अठारह सौ तिरानवे में, में लाहौर में हुआ था अठारह सौ छियासी में कलकत्ता तो में हुआ था महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उन्नीस सौ चौबीस में हुआ था बेलगांव अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने उनचालीसवा वार्षिक अधिवेशन था थर्टी नाइन्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा है तो सरोजनी नायडू जी थी उन्नीस सौ पच्चीस के कानपुर अधिवेशन में 1924 चौबीस में कहाँ पर हुआ है बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी थे 1925 पच्चीस के कानपुर अधिवेशन में कवियत्री हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सॉरी सरोजिनी नायडू जी सरोजनी नायडू सी आंसर इसका हंसएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्ताईसवां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था तो बांकीपुर में हुआ था सत्ताईसवां अधिवेशन 1912 में बिहार बांकीपुर में संपन्न हुआ इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने की थी इसको जरूर याद रखना ये बिहार में हुआ था इसलिए बार बार पूछता है पटना के समीप बांकीपुर में इस अधिवेशन में एओ हूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है तो दादा भाई नेहरू जी ने लिखा है इसमें इन्होंने क्या बताया था कि ब्रिटिश हमारे देश से जो ड्रेन ड्रेन थ्योरी होता है ड्रेन थ्योरी क्या बोला जाता है उसको ड्रेन थ्योरी ब्रिटिशर्स भारत से पैसा कैसे ले जाते हैं यह पहली बार देश को इन्होंने ही बताया कि तुम्हारा शोषण हो रहा है वो किस प्रकार से शोषण हो रहा है लोगों को ये पता ही नहीं था किस तरह से शोषण हो रहा है तो ड्रेन थ्योरी जो दिया था पहली बार वो दादा भाई नरोजी ने ही दिया था और इनका बुक का नाम क्या था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था तो सर सैयद अहमद जो थे सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन वाले अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक तो उन्होंने ही कहा था वो कांग्रेस के विरुद्ध काम करते थे वो अंग्रेजों के राजभक्त बन के काम करते थे तो उन्होंने ही कहा था ये चीज इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया था कि आगे आएगा उस एसोसिएशन का नाम तो मैं बता दूंगा आपको राष्ट्रभक्त एसोसिएशन करके था मतलब अंग्रेजों का भक्त एसोसिएशन मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है अगला क्वेश्चन है कि मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी इसके शांति पे निधन के लिए सहायक बनू ये किसने कहा था ये कहा था सी uh, हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस विनाश की तरफ जा रही है हमें इसको मदद करना चाहिए विनाश करने में अगला है कि निम्न वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया तो लॉर्ड लिट्टन के समय में शुरू किया गया था अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के थे शहरी क्षेत्रों के थे अधिकतर नरमपंथी ने नरम पंथ जो था नरम पंथ उसमें अधिकतर वकील और बड़े बड़े समृद्ध प्रांत के ज़मींदार वगैरह सब थे तो वो शहरी वर्ग से ही थे इसीलिए वो लोगों के आंदोलन से नहीं जुड़ पाए थे नरम पंथ के जब हम आलोचना करते हैं आपको पक्ष विपक्ष दोनों पूछता है नरम पंथियों की आलोचना के लिए भी बोला है तो लिखने के लिए मेंस एग्जाम में तो वहाँ पर आप क्या बोलते हो कि ये लोगों को सामान्य मानविकी को ये नहीं बता पाए कि आप आंदोलन से क्यों जुड़ें गांधी जी ने वो चीज़ कर दिखाया था निम्नच कौन उग्रपंथी नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक भी उग्रपंथी थे उधम सिंह भी मदन लाल भी तो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये नरमपंथी नेता थे राजनीतिक गुरु हैं ये गांधी जी के भारत सेवक समाज सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया करके है इसकी स्थापना किसने की थी पैंसठवीं बीपीएस सिंह पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्ष स्था, इसकी स्थापना की थी उन्नीस सौ पांचवें पूना में इसी सन उन्नीस में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी श्री सेवेंथ बीपीएससी फिर से पूछा इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी रजनी पाम दत्त ने कहा इनका किताब का क्या नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये नहीं नहीं इनके बुक का नाम है इंडिया टुडे इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त जी का और आरसी दत्त जो हैं उनके बुक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त के बुक का क्या नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और रजनी पाम दत्त जी के बुक का क्या नाम है इंडिया टुडे इनको जरूर याद रखना है बार बार पूछता है इसलिए बता रहा हूँ इन्होंने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के लिए यह कहा था लड़ते भी थे और उससे सहयोग भी करते थे इन्होंने क्या किसके लिए बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बोला था इनके बुक का क्या नाम है इंडिया टुडे इंडिया टुडे और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है तो आरसी दत्त की है रमेश चंद्र दत्त अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्रमपंथी के प्रभावधीनता प्रभावधीन कब आया ग्रमपंथी आंदोलन कब मतलब अपने प्रभाव में आया तो हम कब पढ़ते हैं जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उस समय ग्रमपंथी आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो गया था बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने गए क्यों ये पूछा है आपसे इसका आंसर ई दिया है बहुत सारे इसमें कारण थे उसमें से मैं पढ़ देता हूं ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या का मामला अभियुक्त बनाया तिलक को दोषी पाया गया उन्हें अठारह माह की कठोर कठार कठोर कारावास की सजा सुनाएगी जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक नेशनल हीरो के रूप में उभरे उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिल गई थी इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कामों के कारण उनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी एक घटना नहीं था बहुत सारे थे शिवाजी उत्सव मनाना गणपति उत्सव मनाना रैंड की हत्या में उनको अभियुक्त बनाया गया बहुत सारे उत्सव थे एक सौ बयालीस में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था अरविंद घोष तो अरविंद घोष जो हैं जो गर्म दल से संबंधित है बाद में इन्होंने सन्यास ले लिया था और पंडिचेरी में अभी वर्तमान का पंडिचेरी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी इनका बहुत सारा बुक है जैसे इंडिया डिवाइन और भी बहुत सारे बुक हैं आएगा आगे तो नाम तो मैं बता दूंगा और बुक और उनके लेखक पर दो वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें लगभग दो सौ से ज़्यादा क्वेश्चन है 250 सौ क्वेश्चन हैं आपको हिस्ट्री एम सी क्यू में उस पर जाकर जरूर कर लेना बी से एग्जाम से पहले मैंने ठीक करवाया था और उस बुक से पाँच से छः क्वेश्चन टकराए थे बी में उस दो वीडियो से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेशनल एजुकेशन ऑफ काउंसिल के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है तो 15 अगस्त 1906 सौ ईस्वी को हुई है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुई है राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र अनुसार प्रथम हम आठ नवंबर उन्नीस को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई सोलह नवंबर उन्नीस नौ में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक और तकनीकी तकनीकी शिक्षा के लिए किसके किसके वैज्ञानिक और तकनीकी और साहित्यिक शिक्षा के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस को छः दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन निम्न जातियों में से किसको नरम दलियों के तौर पर नहीं जाना जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा बाल गंगाधर सॉरी निम्न जातियों मैंने बोल दिया मेरी माई मिस्टेक निम्न से किसको नरम दलियों के तौर पर नहीं जाना जाता है तो बाल गंगाधर तिलक गर्म दल से संबंधित थे बाकी दादा बनर्जी गोपाल देशमुख और एम जी नराणे तीनों के तीनों ये नरम दल से संबंधित थे और दादा बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल से संबंधित थे कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी असहयोग राजवाम वामबध्य आंदोलन अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक इसमें क्या हो जाएगा राजवाम वामबद्ध्य आंदोलन राजा वाम वामबद्ध्य आंदोलन कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी राजा वाम वामबद्ध्य आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिटेशन को इन्होंने इतना खराब नाम दिया है मतलब संविधान के दायरे में रहकर विरोध करना समझ ना यही था नरम दल का आंदोलन में शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे तो इनका क्या नाम हो जाएगा लाला लाजपत राय हैं इनको शेरे पंजाब कहा जाता है अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं तो विनायक दामोदर तो सावरकर जी हैं इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना उन्नीस सौ ईस्वी में की थी और नासिक में महाराष्ट्र में उन्नीस में एक गुप्त सभा था और एक नंबर है एक मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था तो 1908 सौ ईस्वी में किया गया था एक सौ उनचास नंबर है कि निम्न से कौन एक सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था नहीं था पूछा है द हिंदू बंगाली द महारत्ता और द टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था बाकी ये तीनों ही राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी नहीं थी ये पूछा है आपसे संध्या युगान्तर यंग इंडिया गदर तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक थी ये क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई हो सकती महात्मा गांधी तो अहिंसा के प्रणेता थे तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का था उन्नीस सौ तेरह ईस्वी में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोष नामक संस्था की स्थापना की इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला तो पता ही है बाकी सब के बारे में आगे आएगा तो बता दूंगा मैं नीचे दिए गए विकल्पों से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू केसरी बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का चयन कीजिए सुधारक आएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आएगा उसके बाद से तो इसका आंसर दिया है डी यानी कि द हिंदू जो है उसके हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर जी उसके बाद से बंगाली का कौन होंगे तो यहाँ पर कौन सा था द हिंदू केसरी केसरी के कौन हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर जी बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उसके बाद हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले ओके यहाँ पर दिया हुआ है द हिंदू द शिवजी जी सुब्रमण्यम अय्यर केसरी बीजी तिलक बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे पाकर रहूंगा किसने कहा था तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान उन्नीस सौ सोलह ईस्वी में इसका भी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बार बार पूछ रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन तो ये मैडम भिकाजी रोस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी इन्होंने जर्मनी के स्टूअर्ट गार्ड में उन्नीस सौ ईस्वी में भारत का स्वतंत्रता झंडा फहराया था जर्मनी के स्टूअर्ट गार्ड में इनको क्या कहा जाता है इंडियन रिवॉल्यूशन की मदर कहा जाता है इनको मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था तो स्टूअर्ट गार्ड जर्मनी में ओके मैडम कामा ने उन्नीस सौ सात प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था स्टूअर्ट गार्ड में फहराया था डी आंसर हो जाएगा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इंडिया हाउस क्या था 1905 ईस्वी में इन्होंने किया था कि वहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों को ठहरने की व्यवस्था की जाती थी और यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ था लंदन में इंडिया हाउस बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उन्नीस ईस्वी में सोने बनर्जी का सॉरी आनंद मोहन उनका अरविंद घोष का नाम आता है बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 सौ पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था इसका था स्वशासन सुनिश्चित करना 1906 में कांग्रेस के मन से पहली बार दादा भाई नेहरोजी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हैं बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसका क्या आंसर इसका पूछा है कि कारण क्या था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर लोगों की भागीदारी पर इन तीनों को मिलाकर कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उन्नीस में आपको पता है पुणे अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है अगला क्वेश्चन है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सरकार का शक्ति का महत्तम बचाव होगा या किसने कहा था तो ये कहा था डब्ल्यू डब्लू हंटर ने इसके बुक का क्या नाम है द इंडियन मुसलमान में उन्होंने कहा था किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है एच आर ए की बात कर रहा है एच एस आर ए की स्थापना भगत सिंह वगैरह ने की थी एच आर ए की बात कर रहा है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई उन्नीस सौ चौबीस में चौबीस में राम प्रसाद बिस्मिल सचिननाथ सान्याल कौन कौन है संस्थापक देखो सचिन नाथ सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई उन्नीस जुलाई उन्नीस सौ पाँच ईस्वी को की गई है इसका आंसर ए हो जाएगा कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था तो कर्जन वायली को किसने गोली मारी थी तो मदन लाल ढींगरा ने गोली मारी थी लंदन में ए आंसर हो जाएगा एक जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली को गोली मार दी थी उसके बाद उसको फांसी दे दी गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी इसका पूछ रहा रिपोर्ट आई थी उन्नीस भारत सरकार अधिनियम की उन्नीस का आधार बनी मॉन्टेग्यू चैम्सपोर्ट सुधारी तो बोलते हैं उन्नीस उन्नीस एक्ट को और मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है 1909 के एक्ट को जिसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो लाया गया था और मॉन्टेग्यू चेम्स तो 1919 के एक्ट को कहा जाता है इसमें मॉन्टेग्यू क्या था भारत का आ, इसमें गवर्नर जनरल था हमारा चेम्स और भारत सचिव था मॉन्टेग्यू न्यू लैम फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सवरहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी ये किसने लिखा था तो अरविंद घोष जी ने लिखा है न्यू लैम फॉर ओल्ड काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी तो इसमें फांसी की सजा दी गई थे रामप्रसाद बिस्मिक और अशवाक खां को ओके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्या है कि उन्नीस सौ चौबीस में सचिन नाथ सैनल वगैरह ने एच की स्थापना की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेताओं में से एक थे कौन थे इनमें से एक नेता तो भगत सिंह और इसकी स्थापना कब हुई थी सितंबर उन्नीस में दिल्ली में फिरोसा कोटला का मैदान है वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भगत सिंह और बाकी सारे बाकी सारे देश के क्रांतिकारियों ने मिलकर एच की स्थापना की थी एच नहीं एच इसी का बदला हुआ रूप था निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है सर की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है तो ये यहाँ पर बोल रहा है बिस्मिल जी ने लिखा है लेकिन इसको आगे पढ़ाता हूँ मैं उपयुक्त गज़ल की पंक्ति शायद बिस्मिल अजीमाबादी की थी बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और इसको फेमस बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने है ना बाकी इसको लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने ए आंसर इसका हो जाएगा प्रसिद्ध की सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में एक रचयिता कौन है इसका आंसर ई हो जाएगा ऊपर देख लो यहाँ ना, पर नाम लिखा हुआ बिस्मिल अजीमाबादी वादी है रचयिता इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो भगत सिंह ने दिया था ओके और इनकलाब जिंदाबाद की रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने लेकिन इनको प्रसिद्ध बनाया था भगत सिंह जी ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी हुई थी तो 23 मार्च 1931 को हुई थी अगला है कि सरकार के विरोध में असेंबली और किस कांड में हुई थी इनको ये भी पढ़ लो यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं आठ अप्रैल उन्नीसो उन्तीस को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे फिर बाद में ए के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया उन्नीस सौ तीस में लाहौर षडयंत्र कांड का निर्णय आया उन्नीस सौ तीस में लाहौर षडयंत्र के तहत इनको फांसी दी गई थी ना कि बम फेंकने के लिए लाहौर षडयंत्र कांड के लिए इनको फांसी दी गई थी जिसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस को तीनों को फांसी दे दी गई थी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी तो मात्र इक्कीस साल से थोड़ा सा ज्यादा ओके अनुशीलन समिति क्या थी तो ये एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति बंगाल में एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अनुशीलन समिति बहुत सारी थी देखो ये सारी थी अनुशीलन समिति ही अलग अलग लोगों के अलग अलग स्थापक थे अलग अलग जगह पर इस ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको इस सन उन्नीस में पटना मनुशीलन समिति की एक शाखा की किसने स्थापना की थी तो सचिन नाथ सान्याआल जी ने की थी उन्नीस में ये इस बार भी पूछा था सड़सठवीं बी पी एस सी एग्जामिनेशन में लगभग बहुत बार पूछा है इसको जरूर याद रखना चटगाँव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी तो मास्टर दाने जिनका नाम सूर्यसेन है कब बनाया था 1930 सौ ईस्वी के आसपास जब देश में सबन अज्ञा चल रहा था तब की बात हो रही है देखो 1930 है ना चटगांव कहाँ है बांग्लादेश का बिल्कुल पूरा बाला भाग एक पोर्ट भी था उस समय चटगांव धावा हुआ था वहीं पर इन्होंने धावा दिया था अपने सैनिकों के साथ चटगांव संस्था का धाबे से कौन संबंधित है तो मास्टर धाबी इनका नाम है जिनको सूर्य सेन कहा जाता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था निष्क्रिय विरोध तो अरविंद घोष जी ने जब इन्होंने संन्यास ले लिया था तब इन्होंने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया था उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत को अविलंब छोड़ देना चाहिए और इनकी पुस्तक का क्या नाम है वंदे मातरम इंडिया डिवाइन बहुत सारी बुक लिखी इन्होंने बाद में गीता पर भी इन्होंने टिप्पणी की थी गदर पार्टी का स्थापना हुई थी कब हुई थी 1913 सौ ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी ओके 1913 सौ तेरह में सुवन सिंह भखना के तो 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 पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक, एक संस्था की स्थापना हुई इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी ही पड़ गया लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे अन्य सदस्यों में कौन कौन थे रामचंद्र रास बिहारी बोस राजा महेंद्र प्रताप अब्दुल रहमान मैडम भिकाजी कामा भाई परमानंद करतार सिंह पंडित काशीराम प्रमुख थे इनमें से किसी भी दो नाम दे देगा और ई ऑप्शन आपको मानना पड़ जाएगा गदर कांटी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इन्होंने सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत को आजाद करवाया जाए वन पर चलते हैं गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी तो अमेरिका में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था उन्नीस सौ तेरह में इसकी स्थापना को हुई थी किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है किसने कहा था तो बीजी तिलक हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी तो सी राजगोपाल जी ने की थी इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है तो इसको लिखा है सी आर दास ने सी आर दास ने चित्ररंजन दास जी चित्तरंजन दास जी को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है तो लाला लाजपत राय हैं ये मैंने क्वेश्चन पहले ही करवा दिया था बी पी से अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है लाला लाजपत राय और केसरी और मराठा तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कॉमन बिल्किन की पुस्तक का नाम है तो कॉमल बिटा न्यू इंडिया है एनी बेसेंट जी का न्यून में से किस नेता उन्नीस सौ छः में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले दादा भाई नेहरोजी पहली बार स्वराज की बात भी की गई थी यहाँ से इस मंच से राज यानी कि डोमिनियन स्टेटस निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो नवाब सलीमुल्ला खान ने की थी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस ईस्वी में ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं वन नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग एक सौ नब्बे उन्नीस सौ छः में मिंटो से शिमला मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जिसको उन्नीस सौ नौ में पर प्रदान कर दिया गया उन्नीस सौ नौ के एक्ट द्वारा इसलिए मिंटो को क्या कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है भारत में इसको नोट डाउन करके रख लेना और इसमें क्या था पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था मुस्लिम नेता के लिए मुस्लिम जनता ही वोट करेंगे मुस्लिम नेता मुस्लिम जनता वोट करेगी बस निम्न में से किस अधिनियम ने भारत पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ने शुरू किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 निम्नलिखित में किसका योगदान होमरू लीग के स्थापना में नहीं था तो इसमें से किसका नहीं था तो टी एस अलकाउट का टी एस अलकाउट का किस में आता है नाम तो इनका नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना में टी एस अलकाउट और मैडम ब्लावस्की का नाम आता है और फिर बाद में एनी बेसेंट जी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती हैं अडियार के में इनका मुख्यालय बनाया गया था मद्रास के बगल में ही अडियार है वहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी एक नंबर है किस अधिनियम में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपना प्रदर्शन किया था उन्नीस सोलह में और क्या हुआ था नरम दल और गरम दल को एक किया गया था और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गई थी इसी आंदोलन इसी अधिवेशन में शिक्षा में सुधारे तो ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया तो उन्नीस सौ ईस्वी में नियुक्त किया था एक सौ उन्नीस एक सौ पंचानवे नंबर है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था क्यों क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी इस मतलब सेल्फ गवर्नेंस हम कैसे करेंगे इसकी योजना इसने रखी थी होम रूल लीग आंदोलन ने होम रूल लीग आंदोलन ली के क्या गांधी जी कभी सदस्य बने नहीं क्या कभी अध्यक्षता की तो हाँ उन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया होम रूल लीग का तो स्वराज सभा स्वराज सभा इसका नाम बदलकर कर दिया था गांधी जी ने होम रूल लीग का उन्नीस सौ बीस ईस्वी में जब तिलक जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उन्नीस ईस्वी में आनंद मोहन बोस जी का नाम आता है अरविंद घोष का सॉरी नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे तो आपको पता होगा कि उससे पहले उनके सचिव जो थे महादेव उनकी मृत्यु हो गई थी तो इस समय इनके सचिव प्यारे लाल थे प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक सौ अंठानवे या निम्न से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था तो चंपारण का सत्याग्रह उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में पहला सत्याग्रह था इनका पहला सभिनय अज्ञा भी इसी को कहा जाता है बीपीएससी ने एस सी ने पूछा तो प्रथम सविनय अज्ञा कौन सा था एक सौ निन्यानवे नंबर पहुँच गए हैं कि निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो श्याम लाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी उन्होंने और आज का आखिरी क्वेश्चन दो सौ नंबर कि निम्न से कौन सा भारत में महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था प्रथम सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था तो ये था चंपारण सत्याग्रह आज्ञानी क्वेश्चन अभी मैंने बताया था तो वीडियो चार्ज करना है और कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि इस जो बॉक्स दिया होता है डिस्क्रिप्शन इसमें डिटेल में दिया होता है एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ने के लिए तो जो ज़रूरी एक्सप्लेनेशन होता है मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ खास चीज़ें होती नहीं वही चीज़ें होती हैं जो सबको पता होता है, है ना तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ दो सौ एक नंबर क्वेश्चन है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था तो ये क्वेश्चन हर साल बी में पूछा जाता है हर साल मतलब हर साल ही पूछा जाता है तो राजकुमार शुक्ल थे वो ओके okay? राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया शुक्ल ने उन्नीस में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट की थी उन्नीस का लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ आ गई थी इसमें गरम दल और नरम दल जो थे ये भी साथ आ गए थे ओके यहीं पर उन्होंने भेंट किया था और गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए 202 नंबर क्वेश्चन भी वही है 203 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों इंडिगो यानी कि नील के किसानों को गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था तो फिर से वही क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल इसका यही हो जाएगा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया गया था तो चंपारण में चंपारण में चंपारण में शुरू हुआ था इसको क्या कहा जाता है 1917 सौ ईस्वी में हुआ था इसको कहा जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा या प्रथम सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा भी इसको कहा जाता है 205 नंबर है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था तो ए हो जाएगा इसका चंपारण हो जाएगा चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे तो महात्मा गांधी ही थे प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की थी तो दीन बंधु मित्र ने इसकी रचना की थी अठारह सौ संतावन ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और ठीक पहले अठारह सौ संतावन से कौन सा विद्रोह हुआ था तो संथाल इसके अठारह सौ संतावन ठीक पहले संथाल और इसके ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में सन्यासी विद्रोह का आपको कालकाल काल पता ही है सत्रह तिरसठ से अठारह के आसपास आता है बंकिम चंद चटर्जी का उपन्यास है मठ उसमें इसका जिक्र मिलता है और नील दर्पण पर किसने किताब लिखी है दीनबंधु मित्र जी ने लिखी है यहाँ पर क्या दिया है कि पवना उपद्रव का समय यह है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास यही दो मुख्य नेता हैं इसके वहाँ किसानों को एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी यह नील आंदोलन के इतिहास अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों के सीधी लड़ाई थी बंगाल के वे कश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे जो चावल की खेती करना चाहते थे उनसे नील की खेती करवाता था है ना इसके बाद क्या हुआ विद्रोह हो गया दमन चक्र चला सितंबर 191859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नीलू ना उगाने के निर्णय से मकान बालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अठारह तक नील आंदोलन को दबा दिया गया था और यहाँ पर इन सब जगहों पर फैल गया फिर उसके बाद नील कारखाने बंद हो गए अठारह में उसके बाद क्या लिखा है कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबार में अपने लेखों द्वारा इसको समर्थन दिया था इसमें हिंदू पेट्रॉइड के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी हरिश्चंद्र मुखर्जी पर कम से कम दस बार क्वेश्चन पूछ चुका है बी इसके इनके किताब का क्या नाम है हिंदू पेट्रॉयट इसमें इन्होंने नील आंदोलन को खूब समर्थन दिया था और दीनबंधु मित्र के नाटक का क्या नाम है नील दर्पण अगले क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वाईकॉम सत्याग्रह यह कहाँ पर हुआ था केरल में हुआ था के केलप्पम के नेतृत्व में हुआ था के केलप्पम को केरल का गांधी भी कहा जाता है मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन था ओके यहाँ पर देखो मंदिर प्रवेश के लिए दो सौ नौ है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे इसका क्या आ जाएगा रेवरण्ड चार्ली एंड्रयूज ओके और ये सेंट एस्टिफेंस दिल्ली कॉलेज में प्राध्यापक भी थे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था तो सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ऊपर मैं पढ़ देता हूँ एंड्रयूज के बारे में एक लाइन है कि एंड्रयूज उन्नीस सौ पच्चीस में एटक के अध्यक्ष भी रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं अंत्योदय योजना के बारे में क्या है इसका कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था इस गंधर्भ में इस संदर्भ में गांधी जी रस्किन की पुस्तक अंतु द लास्ट से प्रभावित रहे थे अंतु लास्ट ही वो बुक है जिसको पढ़कर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी हिंद स्वराज सबको पढ़ना चाहिए बीस तीस रुपये की बुक आती है पचास रुपये की ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन किताब अगला क्वेश्चन है कि उन्नीस सौ सत्रह अठारह में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उन्होंने गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था यहाँ पर उन्नीस में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल जो मिल होता है वहीं पर ये सत्याग्रह किया था इन्होंने क्या हुआ था कि यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था है ना प्लेग बोनस का प्रकोप प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने प्लेग बोनस को ख़त्म कर दिया था लेकिन हुआ क्या था मज़दूर इसकी मांग कर रहे थे कि ये प्लेग बोनस जारी रखा जाए तो गांधी जी ने घोषणा की कि मज़दूरों को 35 परसेंट बोनस तो कम से कम मिलना ही चाहिए तो इनको मिला था अगला है कि निम्न उद्योगपति से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक ए के खाजांची रहे ऑल इंडिया कांग्रेस के 1930 में जेल भी गए तो ये थे जमुना बजाज जी ओके अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन भाग लिया था तो चंपारण में किसान आंदोलन भाग लिया था और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनको जमान लाल बजाल को राय बदू राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष उन्नीस सौ इक्कीस एक, में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था उपाधि दी जाती थी कब शुरुआत हुई थी इसकी तो अठारह में जब लेलिन का दिल्ली दरबार लगा था तभी ये उपाधियों की शुरुआत हुई थी राय बहादुर और वगैरह वगैरह सब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था इसका क्या हो जाएगा तीनकिया प्रथा से बीस कट्ठा में तीन कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी दो सौ पंद्रह है कि बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था तो तीन कट्ठा बीस कट्ठे में से समझ रहे हो ना बीस कट्ठे का एक बीघा होता है बिहार के में तो उसी में से तीन कट्ठा जो था वो आपको रखना पड़ेगा चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है इनमें से तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जेपी संबंधित नहीं है ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 217 नंबर पर इसवी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है इनमें से तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष अध्यक्षता किसने की थी तो इसका क्या हो जाएगा स्वामी सहजानंद किसान सभा जब भी आएगा तो स्वामी सहजानंद जी आएंगे 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एन जी रंगा भारतीय किसान जो था अखिल भारतीय किसान सभा इसके सचिव बनाए गए थे एन जी रंगा सचिव और अध्यक्ष कौन तो स्वामी सहजानंद सरस्वती फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था जिसकी अध्यक्षता एन जी रंगा ने ही की थी बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उन्नीस ईस्वी में किसकी बात कर रहा है ये तो ये बात कर रहा है ए एटक की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसके अध्यक्ष कौन थे लाला लाजपत राय और इसके प्रथम महासचिव कौन थे दीवान चमन लाल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो लाला लाजपत राय जी का ओके कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था तो एम एन राय मानवेंद्र नाथ राय थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या था यहाँ पर पढ़ देता हूँ उन्नीस सौ उन्नीस में ब्लादिमिर लेनिन और रूसी बोल्सविकों द्वारा इसका गठन किया गया था कम्युनिस्टों का एक इंटरनेशनल संगठन था ये बार बार इसका सम्मेलन भी आयोजित होता था तो मानवेंद्र नाथ राय भारतीय पहले थे जो इसके सदस्य बने थे भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया था भारतीय उच्चायुक्त की बात कर रहा है इसका आंसर हो जाएगा उन्नीस के एक्ट से किया गया था भारत सरकार अधिनियम उन्नीस उन्नीस के एक्ट भारत उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी कहाँ पर की गई थी भारत सचिव का कार्यभार को कम करने के लिए भारत उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया था अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना बिना दलील बिना अपील के ये कानून था किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है जलियावाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था जलियावाला बाग नरसंहार तो कौन सा था उस समय चल रहा था तो रॉलेट सत्याग्रह ही चल रहा था पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही चल रहा था जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियावाला बाग में आयोजित हुए थे और वहाँ पर विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी का तो इसीलिए वहाँ पर जनरल डायर आकर उसने गोली लगा चला दी थी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दो सौ एक रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया सन उन्नीस ईस्वी में लागू किया गया था 1917 में सर न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद यानी कि क्रांतिकारियों को कुचलने का था तो इसी के बाद रॉलेट एक्ट बनाया गया था और फिर बिना वकील बिना अपील बिना दलील के कानून इसके कहा जाता था दो सौ छब्बीस है कि जलियावाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे अभी मैंने बताया किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग वहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू रविन्द्र टैगोर अपनी नाइट की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी जलियावाला बाग के नरसंहार के कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लंदन में 13 मार्च उन्नीस सौ को सर माइकल ओ डायर को गोली मार कि किसने गोली मारा था तो इस पर मूवी भी बनी है उधम सिंह मूवी जरूर देखना सर्च करके कहीं पर उधम तो सिंह ने गोली मारी थी जनरल ओ डायर को मारा था ओके ये गवर्नर था उस समय का और इसने आदेश दिया था इसने आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का वो जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था दो जनरल डायर हैं एक ही समय पर जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह जी ने गोली मारी थी अगला है कि वर्ष उन्नीस सौ उन्नीस में भारतीय इतिहास से संबंधित है क्यों संबंधित है तो जलियावाला बाग त्रासदी के लिए संबंधित है अमृतसर के जलियावाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न से किसने मारा था तो उधम सिंह ने मारा था उधम सिंह किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक, एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो सौ वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के एक लिए खिलाफत आंदोलन के पक्षधर थे तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी और फिर 1919 सौ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को आर्थिक बढ़ावा मिला था और सॉरी अधिक बढ़ावा मिला था समर्थन मिला था मतलब आर्थिक गलती से पढ़ा मैंने 1920 के खिलाफत कमेटी के सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुआ था तो ये सभा इलाहाबाद में आयोजित हुआ था जिसने गांधी जी को बोला कि आप इसका नेतृत्व कीजिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखो यहाँ पर दिया हुआ है सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था 1920 सौ ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है तो कलकत्ता में उसमें लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता करते हैं एक ही बार लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता करते हैं और वहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास हो जाता है कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज़ करने का आग्रह किया गया फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं मतलब सरकार ने शराब की ब्रांडिंग की तो ऐसा बिहार में ही हुआ था पहले शराब लोगों ने छोड़ दिया तो राजस्व का नुकसान हुआ फिर सरकार ने ब्रांडिंग की तब जाके वहाँ पर लोगों ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था अभी आपने पढ़ा तो हिंदू मुसलमानों का एकजुट करके वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना चाहते थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिमों को जोड़ना चाहते थे इससे पहले क्या होता था सर सैयद अहमद खान जैसे नेता जो थे वो जो अंग्रेजों के भक्त सभा बनाकर मुसलमानों को अंग्रेजों का राजभक्त बनाना चाहते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1920 सौ ईस्वी में प्रारंभ किया था अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया तो 1920 सौ भी हो जाएगा 237 का ए ही हो जाएगा एक, एक, एक अगस्त 1920 को दो सौ अड़तीस है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन उन्नीस सौ बीस का असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे तो छपरा में थे राहुल संस्कृतायन बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं इनके बुक का नाम है एक वोलगा से गंगा वोलगा से गंगा बुक है प्राचीन हिस्ट्री की उसके बाद से इनकी एक और बुक है काल मार्क्स पढ़ना कभी फुर्सत मिले तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था तो चौरी चौरा हत्याकांड जब वो हो गया था उसके बाद चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी उन्नीस सौ को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जिससे 23 पुलिस वाले कर्मचारी जिंदा जल गए थे गांधी जी ने इस घटना की निंदा की असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित भी कर दिया और बोला कि ये सबसे बड़ी भूल है चार फरवरी उन्नीस को असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल बीस दिन ही बचे थे तो जेपी थे जयप्रकाश जे नारायण जी बी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये उन्नीस सौ इक्कीस के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी खिलाफत आंदोलन की मोपला आंदोलन जो था वो किसकी शाखा थी तो खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था देश में तभी केरल के मालावाड़ तट पर अगर भारत को ऐसे देखेंगे तो इस तट के इलाके में केरल में मोपला आंदोलन छिड़ गया बाद में ये आंदोलन साम्प्रदायिक हो गया हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था इस फिर गांधी जी ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया पहले गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन भी था बाद में हिंसक हो गया सांप्रदायिक हो गया तो गांधी जी ने खुद को इससे अलग कर लिया अगला क्वेश्चन है 1920 से 22 का को असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या हैं गांधी जी एक अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है उनको इसीलिए उनकी जीत होगी इसका आंसर सी दिया है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि शराबबंदी आंदोलन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड हो गया है पी में ओके okay, मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से शराबबंदी आंदोलन उन्नीस सौ किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था इसका क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था उन्नीस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं उन्नीस का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था तो केरल में हुआ था अभी मैंने बताया मालावाड़ तट जो केरल का है वहीं पर किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो चौरी चौरा कांड है जिसके कारण वापस ले लिया था 4 फरवरी 1922 ट्वेंटी टू असहयोग आंदोलन स्थगन के संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें इसको सही क्रम में लगाना है। चौरा चौरी पुलिस गोलीकांड सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले यही आएगा फिर इसके बाद उग्र भीड़ ने थाना को जला दिया फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हो गया फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी सीक्वेंस यही है इसका लॉर्ड सिन्हा ने उन्नीस में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा लिखा है प्रसाद होगा का जन्म 24 मार्च अठारह सौ सौ बंगाल के बीरभूम रायपुर में हुआ था वो वर्ष उन्नीस में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वैसे भारत पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था वर्ष उन्नीस में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भी नियुक्त हुए थे सत्येंद्र प्रसाद जी जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे स्वास्थ्य कार्य से उन्होंने उन्नीस में अपना त्यागपत्र दे दिया था चार मार्च उन्नीस सौ की इनकी मृत्यु हो गई थी अगला है कि उन्नीस सौ तेईस से अट्ठाईस काल भारती में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन एक बड़ा कारण था कि क्रांतिकारी लोग फिर से आ गए जैसे भगत सिंह वगैरह का जो नाम सुनते हैं राम प्रसाद बिस्मेल वो सब इसी के बाद आए थे जब स्थगित हो गया था असहयोग आंदोलन तो दो का क्या आंसर हो जाएगा बी होगा दो का बी ही होगा ओके स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई किसके असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन का असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं जिसका उद्देश्य क्या था सदन के भीतर जाके सरकार का विरोध करना यहाँ पर देखो मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने किया था मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और सी आर दास जो हैं चित्रंजन दास इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस का अभिन्न हिस्से के रूप में प्रसारित किया अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया था स्वराज दल की स्थापना किसने की थी तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी उन्नीस सौ तेईस इसमें फिर से वही क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर सी ही हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी 252 है कि स्वराज पार्टी के गठन की डैश की असफलता के बाद हुआ था तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया उसके बाद हुआ था उन्नीस में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास जी थे गया के गया में जो हुआ था 1922 में इसके अध्यक्ष कौन थे सी आर दास ही थे इसको जरूर याद रखना या यह पूछा था कुछ साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसवी सन उन्नीस सौ बाईस में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसका आंसर हो जाएगा ए चितरंजन दास फिर से वही पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन बर्डन कहा जाता है या किसने कहा था तो सचिदानंद सिन्हा जी ने कहा था कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती रहती है इसको उन्होंने वाइट मैन बर्डेन कहा था सचिदानंद सिन्हा जी का यह स्टेटमेंट है अच्छा क्वेश्चन है इसको जरूर याद रखना टफ क्वेश्चन है ये साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया तो 1928 में आएगा 1928 सौ ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आएगा और इसका विरोध लाहौर में जहां लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया था फिर उनको लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हो गई थी और फिर आप पढ़ते हो कि लाहौर कांड होता है जिसे भगत सिंह लोगों ने गोली मार दी थी ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था तो किसके द्वारा तैयार किया गया तो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था संवैधानिक व्यवस्थाएँ भारत के संविधान लिखने का एक बहुत ही बड़ा सफल प्रयास नहीं था असफल प्रयास के रूप में था नेहरू रिपोर्ट जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी इसके कारण सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था इसके खिलाफ बयान दिया था जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता खुद हिस्सा थे नेहरू रिपोर्ट को बनाने में तो सी हो जाएगा इसका आंसर है ना पढ़ देता हूँ कि साइमन आयोग की नियुक्त करने के बाद अनुदार पंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहैंड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं बिरकनहेंड ने भारतीय लोगों को चैलेंज कर दिया इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस योजना का अंतिम रूप देंगे नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे उन्नीस में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति ने उन्नीस में प्रस्ताव पारित करके संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट के लेखक थे इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था जो उन्नीस में दिया गया था बस ये रिपोर्ट था एक क्या ये कभी लागू हुआ नहीं लेकिन इसके आधार पर 1935 के एक्ट में कुछ ये जरूर जोड़ी गई हैं इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी जिसको लेकर भारी विरोध हुआ था इसमें वयस्क मताधिकार महिलाओं के समान अधिकार यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म के का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण का समर्थन किया गया था तो यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे गए, तो उसमें आपसे क्या पूछेगा निम्न से कौन कौन सी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब किया गया था उन्नीस ईस्वी में ओके लाहौर कांग्रेस में इसकी अध्यक्षता किसने की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ओके okay, और फिर 31 दिसंबर उन्नीस सौ उनतीस को मध्य रात्रि का घंटा बजा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में राबी डेदी के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और फिर 26 जनवरी उन्नीस सौ तीस को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था इसीलिए फिर 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हुआ था इस बीच सन उन्नीस में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था तो जवाहरलाल नेहरू जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था तो अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नीस में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था पताका उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज समाजवाद का समर्थक कौन था उन्नीस में ब्रिटिश शासन समाजवाद का समर्थक कौन था उन्नीस सौ तैंतीस ब्रिटिश शासन जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के काफ़ी समर्थक थे काफ़ी बड़े समर्थक उन्नीस सौ तेईस में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी अगला है कि दो सौ तिरसठ की किसने उन्नीस सौ इक्कीस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया तो मौलाना हसरत मोहानी ने उन्नीस सौ इक्कीस में ही बोला था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए अहमदाबाद में हुए कांग्रेस की अध्यक्षता में हकीम मोहम्मद वह कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था हकीम अजमल खान ने की थी इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हासद मोहानी ने बोला था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए कहाँ पर नाइनटीन में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में दांडी यात्रा की गई उन्नीस ईस्वी में दांडी यात्रा की गई थी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी यात्रा हुई थी मैं बता देता हूं थोड़ा सा महात्मा गांधी ने तो किया ही था दांडी में उसके बाद से क्या है कि सवनावज्ञ आंदोलन गांधी के नेतृत्व तो पूरे देश में फहरा तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गोंडा आश्रम से तिरुचिलापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी तो वेदारण्य का नाम जब भी आए तो सी राजगोपालाचारी जी ने नमक यात्रा की थी और अगर केरल के तट पर देखें तो के केलप्पम ने की थी केरल में के केलप्पम ने नमक यात्रा की थी बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा वगैरह सबका नाम आता है 1930 सौ में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध में के द्वारा सरकार का विरोध किया था तो चौकीदारी कर का विरोध हुआ था जब नमक का सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा था उन्नीस सौ ईस्वी में तब तो बिहार के लोग चौकीदारी कर का विरोध कर रहे थे दांडी यात्रा कितने दिन चली थी तो 24 दिन चली थी ये छियासठवीं बी पी एस का क्वेश्चन है जरूर याद रखना 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था तो खुदाई खिदमतकार जब भी आएगा तो बादशाह खान जिनको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है भारत रत्न रहे हैं पाकिस्तान में इनकी मौत हुई थी जेल में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था इन्होंने पाकिस्तान की मांग को ही कभी स्वीकार नहीं किया था इन्होंने ही कहा था कांग्रेस ने हमें मुस्लिम लीग के सामने फेंक दिया है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका तो सबने वज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और एक चीज़ बता दूँ मैं इनके इनके लिए खान अब्दुल गफार लाल कुर्ती आंदोलन लाल कुर्ती के संगठन का गठन भी इन्होंने ही किया था कितना सारा मैंने बता दिया है ना खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन भी बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान बेगूसराय के चौकीदारी विरोध आंदोलन एक हिस्सा था किसका सबने आंदोलन का ही हिस्सा था सेविनावज्ञ आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया था गांधी जी ने उन्नीस सौ चौंतीस में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया सितंबर उन्नीस सौ बत्तीस में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था इसको जरूर याद रखना और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया दो सौ इकहत्तर है कि निम्नलिखित में किस भारतीय नेता लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था तो जब भी तीनों की बात आए तो बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर गांधी अरविंद समझौता हुआ था तो कब तो हुआ था तो उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी में हुआ था पांच मार्च उन्नीस सौ इकतीस को गांधी इरविन समझौता हुआ है और तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस को तीनों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई है नियम से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में हुआ हुआ तो तीसरा में हुआ था कांग्रेस ने किस में भाग लिया था तो उन्नीस सौ इकतीस वाले में भाग लिया था गांधी जी ने और जिसमें कुछ लोग हैं जैसे मुस्लिम लीग हिंदू महासा दलित वर्ग व्यापारी वर्ग इन सब ने भी भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो क्या हो जाएगा भाग नहीं लिया था कि बात कर रहा है तो पहले में भी भाग नहीं लिया तृतीय में भी भाग नहीं लिया तो इसका आंसर ई हो जाएगा द्वितीय गोल में सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था द्वितीय गोल में सम्मेलन सांप्रदायिक पंचायत के प्रश्न पर असफल रहा था कि एस सी वर्ग को भी क्या बोल रहे थे अंग्रेज कि इनको हिंदुओं से अलग कर दो इनको अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो दे दो इसके कारण असफल रहा था इसका आंसर ए हो जाएगा जैसे मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली दी गई थी वैसे ही एस सी लोगों को भी देने की बात हो रही थी महात्मा गांधी दिसंबर उन्नीस में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे तो लंदन से वहीं पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसका हो जाएगा तेज बहादुर सपरी और एम आर जयकर का भी नाम आता है जयकर विश्व पर अभी तो मैंने पढ़ा ना किसके नेता थे वो जो था ना हिंदू क्या था ऊपर रुक जाओ मैं बता देता हूँ ये रहा एक सेकेंड हिंदू महासभा के नेता थे जयकर हिंदू महासभा के नेता थे जयकर और सी आर दास को और तेज बहादुर सपरू को तो आप लोग जानते ही हैं ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा तेज बहादुर सपुरू और एम आर जयकर जी का भी नाम आता है गांधी इरविन समझौता कराने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी पाँच मार्च उन्नीस सौ इकतीस को निम्न से कौन सा समझौता हुआ था तो इसका हो जाएगा सी गांधी इरविन समझौता हुआ था अगस्त उन्नीस सौ बत्तीस में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया किसके लिए तो अछूतों के लिए एस सी एस टी वर्ग के लिए भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाया गया यानी कि इनके नेता के लिए केवल यही वोट करेंगे बाँटों की राज, राजनीति थी बाँटों की भारत को बांट देना बांटो राज करो जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई जब क्या हुआ जब सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा अंग्रेजों ने कर दी तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए फिर अंबेडकर जी को मना के लाया गया और पूना समझौता हुआ गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में उसी में गांधी जी ने बोला कि हम आपको इकहत्तर सीटें और एक सीटें क्रमशः प्रदान करेंगे पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए इकहत्तर सीटें और सुरक्षित सीटें विधानमंडलों में दी गई और जिसमें पूना पैक्ट बढ़ाकर एक कर दिया गया था एक सौ को कितना कर दिया गया था एक सीटें हम आपको विधानमंडल में प्रदान करेंगे केंद्रीय विधानमंडल सुरक्षित सीटों की संख्या में भी 18 परसेंट की वृद्धि हुई थी इसके बाद अंबेडकर जी मान गए थे उन्होंने फिर उसका विरोध किया था सांप्रदायिक पंचायत को उन्होंने वापस ले लिया था नहीं तो वो समर्थक थे कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली मिलना चाहिए एस सी को पूना समझौता का उद्देश्य क्या था इसका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व तो देना ही उद्देश्य था 24 सितंबर उन्नीस सौ बत्तीस का हुआ था पुना में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था ये इस बार का क्वेश्चन है बीपीएससी सड़सठवीं का री एग्जामिनेशन होगा तो उसका क्या पता पूछे ना पूछे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही शुरू किया था बहिष्कृत भारत अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी तो कार्यकारिणी कमेटी उन्नीस सौ सैंतीस में उसने भूस्वामित्व को खत्म करने की बात की थी कांग्रेस ने वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और ज्योग्राफी अभी चल रहा है चैनल पर दृष्टि आई के जो बीपीएससी के बिहार समग्र आती उससे अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमने बिहार की नदियाँ पूरा जपवाह तंत्र है झीलें हैं इसको कंप्लीट कर लिया है इससे पहले बिहार के मिट्टी वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है बिहार का इतिहास मॉडर्न मीडियबल और एनशियंट तीनों ही दृष्टि आई के बिहार समग्र से कंप्लीट हो गया है के वी सी नैनो से अगर किसी को बिहार समग्र करना हो तो वो भी चैनल पर मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पूरा चैनल ही भरा हुआ है इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे दस हजार से ज्यादा क्वेश्चंस का सेट आपको अलग अलग सब्जेक्ट सब के सबके मिल जाएंगे जोग्रफी हिस्ट्री पॉलिटी साइंस सबके मिल जाएंगे आपको ओके अगला है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन तो है ही नहीं उन्नीस अधिनियम के लिए उन्होंने उन्होंने कहा था फरवरी उन्नीस में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वस इस्तीफा दे दिया था तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण से इस्तीफा दे दिया था 1935 में भारत सरकार हाँ नहीं इसका आंसर गलत दिया है यहाँ पर उन्नीस में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दे दिया नहीं यहाँ पर सही दिया आंसर मैं इसको पढ़ देता हूँ इसका आंसर डी ही होगा राजनीतिक बंदियों के लिए छोड़ा गया था पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर हुआ क्या था कि कांग्रेस ने विभिन्न राज्य के सरकारों से राजनीतिक कैदियों को कर रिहा करने का प्रयास किया जब उन्नीस सौ सैंतीस में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा था उन्नीस में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उसने क्या बोला था कि देश के राजनीतिक कैदी हैं यानी कि क्रांतिकारी हैं या आंदोलनकारी हैं जिनको कैद में रखा गया है हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों से क्या बोला कि राजनीतिक कैदियों का आप रिहा कीजिए तो राजनीतिक कैदियों को जब रिहा किया जाने लगा तभी संयुक्त तात्कालिक संयुक्त प्रांत और बिहार में चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि बहुत सारे जगह पर गवर्नरों ने इसका विरोध किया गवर्नरों ने इसका विरोध किया कि आप कैदियों को मत छोड़िए तो सरकार ने इस्तीफा दे दिया था बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था इसका आंसर हो जाएगा ई क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जाते हैं कार्यानंद शर्मा जी का नाम आता है राहुल संस्कृत जी का भी नाम आता है बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी स्वामी सहजानंद उन्नीस सौ में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी इस सभा के विस्तार में बिहार के गाँवों में करने के लिए उन्होंने कार्यानंद शर्मा राहुल संस्कृतायन पंचानंद शर्मा युद्वानंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग भी मिला था अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग से बैठक हुई थी इसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी और उन्नीस में आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे और जे इसके सचिव बने थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में किया गया था लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में और इसके अध्यक्ष कौन थे तो स्वामी सहजानंद और सचिव एनजी रंगा उन्नीस में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था 291 है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में ही हुआ था 292 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले बड़ा बदतमीज़ रैप का ऑप्शन दिया है ओके उन्नीस में उन्होंने किया था मृत्यु के ठीक कुछ पहले भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो लाला लाजपत राय की बात कर रहा है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था ओके और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय एम एन जोशी द्वारा और लाला लाजपत राय रह द्वारा इसकी स्थापना उन्नीस में बम्बई में की गई थी एटक की स्थापना इसके स्थापना के कारण उन्नीस में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आज यूएन का भाग है आईएलओ उसकी स्थापना के बाद ही अलग अलग देशों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय उपाध्यक्ष जेसब बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष उन्नीस में नागपुर अधिवेशन में हुआ ये जो संगठन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बट गया विभाजन के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे ओके ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था तो इसका क्रांतिकारी चरण का समय था 1936 से उन्नीस में उनतीस में uh, सबसे ज़्यादा उनचालीस में 26 से उनचालीस सॉरी 26 से उनचालीस में सबसे ज़्यादा ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था आप भगत सिंह के मूवी देखोग उसमें ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर भगत सिंह बड़ा बहस करते हैं तो इसी ही समय में हुआ था उन्नीस सॉरी सो, uh, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब हुई थी तो उन्नीस सौ चौंतीस में हुई थी अभी मैंने बताया इसके अध्यक्ष कौन थे आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जेपी सचिव थे जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किया था नेपाल के तराई भागों से जो छापामार युद्ध कर दी थी दो सौ संतानवे नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा दो पर चलते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे तो जयप्रकाश नारायण दो सौ निन्यानवे जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं और आज आज का आखिरी क्वेश्चन है उससे पहले वीडियो लाइक कर लेना लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताना कॉमेंट करके बताना कर लिया था आज तीन से तीन तक करना था पहला क्वेश्चन पर चलते हैं तीन नंबर पर जयप्रकाश दिवस मनाया गया कब मनाया गया तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था अप्रैल 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे उन्नीस की बात कर रहा है तो उन्नीस में कौन सा अधिवेशन हुआ था तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे ओके ज्ञातव्य कि सुभाष चंद्र बोस उन्नीस सौ उनचालीस में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे लेकिन फिर बाद में उन्होंने गांधी जी के कारण इस्तीफा दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया प्रांतीय सरकारों के गठन की बात कर रहा है तो आपको पता होगा 1935 का अधिनियम जब पारित हुआ तो पहली बार चुनाव उन्नीस में हुआ है और उसी में 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यह चुनाव संबंधी डिटेल अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉप्स की स्थापना किसने की थी इंपीरियल कैडेट कॉप्स की 304 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर दिया है बी यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के समय में इंपीरियल कैडेट कॉप्स की स्थापना हुई थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं लॉर्ड कर्जन में ही के समय उन्नीस सौ एक में इंटेरियल कैडेट कौर, कॉप्स की स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्र को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था देशी नरेश जो होते थे देशी राजा वगैरह जो होते थे छोटे छोटे उनके पुत्रों के लिए सैनिक प्रबंधन करना था सैनिक शिक्षा का 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा है तो भारत सरकार तथा देशी राज्य के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी को बनाया गया था देशी राज्य बोले तो भारत के जो छोटे छोटे रियासत थे देशी उनकी बात कर रहा है ओके और इसमें क्या दिया है कि भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर एस्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था सर स्कॉट क्या कर रहे थे भारतीय राजाओं के तरफ से नियुक्त हुआ था ये वकील और इन बटलर कमेटी के समक्ष उनकी मांगों को रख रहा था ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था तो 1927 में किया गया था 1927 सौ में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ इसमें विभिन्न रियासतों से आए सात से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था इसके आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता मणिलाल कोठारी जी आर तीन सौ सात नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो विंसट विस्टन चर्चिल था विस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ओके नाव और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा तो इसीलिए लिखा था रहमत अली ने तो आपको पता है पाकिस्तान की मांग को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था इसी ने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया था पाकिस्तान शब्द में पाकिस्तान का फुल फॉर्म छिपा हुआ है क्या क्या है तो पंजाब है अफगानिस्तान है कश्मीर है सिंध है बलूचिस्तान है ओके इन सब को मिला के पाकिस्तान बनाया गया था उस समय अफगानिस्तान बोले तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजेंस जो था उसकी बात कर रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 309 नंबर है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था आंदोलन नहीं था ये देश को तोड़ने की एक मांग थी जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसको लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब पारित किया गया था 1940 में 1940 में कहां पर किया गया था तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में क्या कहां पर किया गया था लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका आधार यह था कि कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा है ना तीन सौ ग्यारह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसऑबीडियंस किसने आरंभ किया था तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे बिहार में पहले सत्याग्रही से अनुग्रह नारायण सिंह थे दूसरे श्री कृष्ण सिंह जी थे अगर मैं अनुग्रह नारायण श्री कृष्ण सिंह में सिक्वेंस की गड़बड़ी कर रहा हूँ तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा वैसे मेरे हिसाब से मैं सही कह रहा हूँ तीन नंबर पर चलते हैं और कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भा भावे सात अक्टूबर 1940 को इसको शुरू किया गया था व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह करना और इसका नारा था दिल्ली चलो क्या नारा था दिल्ली चलो चलो आगे चलते हैं सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द जिसका अर्थ है सबका तथा तो उदय जिसका अर्थ उत्थान से मिलकर बना है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया था इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना है रस्किन की इस पुस्तक अन टू द लास्ट में महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे उन्होंने इसके बाद क्या लिखा था हिंद स्वराज कौन सी बुक लिखी थी इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने हिंद स्वराज छोटी सी पतली सी बुक आती है है ना जरूर पढ़ना खरीद के अच्छी बुक है किसकी दृष्टि में क्रिप प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था तो जवाहरलाल नेहरू जी के दृष्टिकोण में है ना रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने के बाद अमेरिका के दवा ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैंड फॉर क्रिप्स को भारत भेजा था और मार्च के महीने में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 मार्च और अब अगस्त क्रांति कब हुई है भारत छोड़ो अगस्त में हुई है सीक्वेंस के लिए मैं महीना बता रहा हूँ एक ही साल में जब दो तीन बड़े बड़े कांड होते हैं ना तो आपको याद रखना चाहिए सीक्वेंस वाइज में वो पूछता है बहुत बार पूछा है ओके महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें जोड़ा कि ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक डूबने जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो किसी ने भी नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था स्वतः स्फूर्त आंदोलन का मतलब क्या होता है इसको जनता ही लीड कर रही थी क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त 1942 की बैठक के बाद अर्धरात्रि को ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को आपको पता है बम्बई के ग्वालियर टैंक में भाषण हुआ था और 9 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हो गया क्यों उग्र हो गया क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था इसलिए उग्र आंदोलन था यही ओके इसमें यही लिखा है 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई बंगाल बिहार उड़ीसा यूपी मद्रास में था करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है तो इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने बोला था मैं आपको एक मंत्र देता हूँ छोटा सा एक मंत्र देता हूँ कि करो या तो मरो है ना भारत छोड़ो आंदोलन अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है आपसे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उस समय अध्यक्ष थे जब गांधी जी ने पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन को चर्चा की थी वर्धा में इसलिए वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी इसको जाना जाता है वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद सरोजनी नायडू जे एल न्यूज जवाहरलाल नेहरू जी पटेल साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीतारमैया जी पंत प्रफुल्ल चंद्र घोष सैयद महमूद असफ अली और जे वी कृपलानी महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो चर्चिल थे क्योंकि इस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ है उन्नीस में और 1945 तक विश्व युद्ध चला है तो इस दौरान चर्चिल ही वहां का प्रधानमंत्री था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पर रखा गया था उनको आगा खान प्लेलिस में उनको कैद किया गया था ओके okay, और इसके अलावा क्या दिया है कांग्रेस के कार्य समिति के नेहरू जी और अबुल कलाम आज़ाद असफ अली जीवी पंत आदि को अहमदनगर किले में कैद किया गया था तो इन सब को कहाँ रखा गया था अहमदनगर किले में और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे जो सबसे अधिक व्यापक रहे थे बिहार में और संयुक्त तो प्रांत में यानी कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा दंगे हुए तो उस समय दंगे क्या बोलना आंदोलन हुए थे हिंसक आंदोलन हो गया था ये और बिहार में भी अगर बात करें तो यूपी में आजमगढ़ बलिया गोरखपुर तथा तो बिहार में भागलपुर सारण पूर्णिया शाहबाद शाहबाद मुजफ्फरपुर चंपारण स्वतः स्पूर्त जन विद्रोह के केंद्र बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त उन्नीस को गिरफ्तार करके भेजा गया था तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था इनको और हजारीबाग जेल में किन रखा गया था तो जेपी को रखा गया था जहाँ से वो भाग गए थे और गांधी सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था ये सब तो पता ही है आगे चलते हैं कि 7 सितंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे इसका आंसर यहाँ पर दिया है कि सीरीज़ योगेंद्रसू जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर उन्नीस सौ बयालीस को हजारीबाग जेल से भाग गए थे किंतु तो मुजफ्फरपुर ने गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल लाए गए थे तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है बक्सर जेल लाया गया था योगेंद्र सोगल जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनसे कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था अभी मैंने बता दिया आपको कौन थे जेपी थे जयप्रकाश नारायण इसके बाद इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था किसका गठन किया था आज़ाद दस्ता जो क्या करती थी ये छापामार युद्ध करती थी है ना छापामार युद्ध करके सरकारी पटरियों को उड़ाना रेल को उड़ाना ये सब काम करते थे ये लोग नेपाल और बिहार का तराई का प्रदेश जो है जो उत्तर बिहार का इलाका है उसी इलाके में 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे शिव कुमार और रामानंद को इनको गिरफ़्तार किया गया था नौ अगस्त उन्नीस को ये कठिन क्वेश्चन था उसको ज़रूर याद रखना पी डी एफ भी मिल जाएगा आपको चैनल पर फिर से मैं एक बार वो क्वेश्चन दोहरा देता हूँ कि नौ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया तो वे कौन थे तो शिव कुमार और रामानंद इस ये टिपिकल बिहार का क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बाकी इसमें कुछ भी नहीं है हाँ महात्मा गांधी तो उनके सहयोगियों की उन्नीस सौ बयालीस में हुई धरपकड़ से बिहार बहुत दंगे हुए इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था तो पटना जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था जहाँ पर लगभग में सारी पटड़ियाँ उखाड़ दी गई थी जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली है उनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और इसने इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी उन्नीस सौ चौंतीस ईस्वी में ये सब कब पता होगा आपको पिछला वाला वीडियो भी जगह के जरूर देखना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है इन सब में से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया मैंने अभी बताया ना कब आया है क्रिप्स, क्रिप्स मिशन तो ये आया था मार्च उन्नीस में मार्च 1942 में उसके बाद ही सब कुछ हुआ है वर्धा प्रस्ताव भी जुलाई में आया है भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ है अगस्त में ओके ना कैबिनेट मिशन का आगमन तो उन्नीस में हुआ है लॉर्ड वेवेल का भी बहुत बाद में हुआ है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखो यहाँ पर दिया हुआ है लॉर्ड बेबल उन्नीस सौ तैतालीस में आए हैं क्रिप्स मिशन मार्च उन्नीस सौ बयालीस भारत छोड़ो अगस्त उन्नीस सौ बयालीस कैबिनेट मिशन वर्ष उन्नीस सौ छियालीस में आए हैं यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है कि आर एस एस उन्नीस सौ बयालीस के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था बिल्कुल सही है ये आर एस एस हो गया उसके बाद से डॉक्टर अम्बेडकर हो गए उसके बाद से कौन सा हो गया आ... मुस्लिम लीग हो गई उसके बाद से जो हिंदुओं का था हिंदू महासभा करके वो हो गई ये सब अलग रही थी इस आंदोलन से इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी तो तीन का क्या आंसर हो जाएगा सी ए तो सही है लेकिन आर गलत है इनका विचार ऐसा कुछ भी नहीं था और वर्ष उन्नीस सौ से लेकर विदेशी सत्ता को उन्नीस सौ के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलन संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्नीस सौ के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था और एक चीज़ मैं बताता हूं आपको किताब का टेक्स्ट बुक का ये कंटेंट है कोई मैं नफरती वो इससे नहीं बता रहा हूँ 1948 में जब महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसमें जब आर का नाम आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर के ऊपर बैन लगा दिया था बैन लग गया था आर और सरिदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में एक समझौता हुआ है जो समझौता बजाबते ज्ञापन के रूप में है इसको आप जाकर नेट पर सर्च करके देख सकते हैं इतिहास है हमारा इसमें उन्होंने आर स्वीकार करवाया कि आप इस देश का झंडा मानोगे इस देश का संविधान मानोगे इस देश के संप्रभुता का सम्मान करोगे है ना तब जाके आर को फिर सरदार सा, वल्लभ भाई पटेल ने फिर से मान्यता प्रदान की थी हमारे देश का झंडा मानने के लिए भी इनसे समझौता करना पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय सेना आई की स्थापना किस वर्ष में हुई है तो 1942 में हुई है 1942 में हुई है अगला क्वेश्चन है कि इनमें से 1945 सौ में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे तो भूला भाई देसाई थे भूला भाई देसाई थे छियासठवीं बी पी में पूछा है भूला भाई देसाई थे कैलाश नाथ काटजू भी थे जवाहरलाल नेहरू भी थे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे ये सब लोग पेश हुए थे लेकिन उन सब का नेतृत्व कौन कर रहे थे भूला भाई देसाई कर रहे थे वर्ष उन्नीस सौ लाल किला आजाद हिंद फौजियों के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे के पैरवी कैलाश नाथ काजजू तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरू भूला भाई देसाई आदि वकील कर रहे थे वकीलों समूह की अध्यक्षता भुलाबाई देसाई ने ही नहीं की थी कितने सारे वकीलों के मैंने नाम ले बता और एक चीज मुकदमा जो है, जो है इसमें तीन चलाया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने बयान दिए थे आजाद हिंद सरकार के निर्णय की घोषणा की गई कब की गई इक्कीस अक्टूबर थ्री को की गई है और सात जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कर दी कहाँ पर सिंगापुर में ओके 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में 1942 में जून में राजबिहारी ने राजबिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया वे जून 1943 में टोक्यो पहुंच गए इक्कीस अक्टूबर उन्नीस सौ तैंतालीस सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया और वर्ष उन्नीस सौ तैंतालीस में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आ गई सिंगापुर में बहुत बार आई का एक म्यूजियम टाइप भी बना हुआ है आई किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी तो डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले डॉक्टर मोहन सिंह के मन में आया था वो ब्रिटेन में भारतीय सेना के में अवसर थे जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को स्पुर्द कर दिया तो उन्होंने इसको आजाद हिंद फौज के रूप में परिवर्तित कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी कब की थी जब हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्षता की इन्होंने फिर त्रिपुरा कांग्रेस की भी इन्होंने अध्यक्ष पद हासिल कर लिया लेकिन इनको गांधी जी कारण फिर से इस्तीफा देना पड़ गया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया इन्होंने एक एक, एक अलग से पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक नाम है जिसका जो आज भी पश्चिम बंगाल में राजनीति पार्टी है एक फॉरवर्ड ब्लॉक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 1939 में इसका गठन किया था उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था सुभाष बाबू के द्वारा स्थापित किया गया था बी आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी को किस नेताजी किस देश में जोड़ा गया था सबसे पहली बार उनको जर्मनी में ही उनके नाम के साथ नेताजी जोड़ा गया था जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था इनको इन्होंने वर्ष नाइनटीन में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी सईदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे इनमें से किसी इनमें से भी नहीं भारत छोड़ो आंदोलन दांडी मार्च सबने आवा गया इनमें से किसी में भी उनका नाम नहीं आता है सलदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आई एन आंदोलन में भी जुड़े रहे वो इनमें से कौन थे ये पूछा है आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा सील भद्रियाजी थे वो सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे याजी भारत अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष बोस से जुड़े और आई आंदोलन के साथ भी उनके साथ जुड़े रहे आई आंदोलन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं चौरा चौरी बारदोली यरबदा नोआखली कहाँ पर हुआ है तो नोआखली जब भी आए तो पश्चिम बंगाल में चले जाओ आज ये बांग्लादेश में पड़ता है बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर होगा तो गुजरात में हुआ था चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था और यरबदा कहाँ है महाराष्ट्र में है यरबदा का जेल तो ए का दो होगा बी का चार होगा सी का वन होगा और डी का तीन होगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा ओके कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया है कैबिनेट मिशन चौबीस मार्च नाइनटीन फोर्टी सिक्स को आया है इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा इसका आंसर ई हो जाएगा चौबीस मार्च उन्नीस सौ छियालीस को दिल्ली आया है इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव तथा तो अन्य दो सदस्य स्टैंडफोर्ड क्रिप्स और ए वी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे इन तीनों के नाम जरूर याद रखना तीनों में से कोई सा भी नाम एक दे देता है और बोलता है कि बताओ इनमें से कौन क्रिप्स मिशन के भी सदस्य थे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी छब्बीस जुलाई नाइनटीन को एटनी के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की और नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद एक फरवरी उन्नीस सौ को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया नौसेना विद्रोह के ठीक एक दिन बाद कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च उन्नीस सौ को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य दो सदस्य थे स्टैंड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में भी सदस्य थे और ए वी एलेक्जेंडर अगला क्वेश्चन इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो इसका अंदर सर हो जाएगा वेवेल वेवेल इसके सदस्य नहीं थे वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की तो अबुल कलाम आज़ाद जी ही उस समय थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और वेवेल से दोनों से वार्ताएं की वेवल प्रस्ताव जो आया था उन दोनों से लॉर्ड वेवल का प्रस्ताव कब आया है उन्नीस में उन दोनों से वार्ता की थी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वो रहे थे लगातार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उन्नीस में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था तो जे बी केपलानी थे जे बी केपलानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जेबी के रानी ही थे सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी उन्नीस के दिल्ली अधिवेशन उन्नीस में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी तीन नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुर्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे वे कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जापान के विरुद्ध गुर्ला युद्ध के लिए बहुमत जुटा रहे थे ओके अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत को स्वीकार किया गया सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रतियोगी परीक्षा के प्रणाली को कब स्वीकार किया गया तो एटीन के एक्ट में हम क्या पाते हैं कि इसमें स्वीकार कर लिया गया था कि लोगों की भर्ती की जाएगी सिविल सर्विसेज़ के लिए उन्नीस के एक्ट में ये प्रावधान पहली बार लाया गया था लेकिन वहाँ पर स्वीकार नहीं हो पाया था वो स्वीकृत नहीं हो पाया था स्वीकृत कब हुआ है तो एटीन के एक्ट में इसको स्वीकृत किया गया है अठारह वाले एक्ट में चार्टर एक्ट में ओके और इसमें क्या हुआ था डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई छः क्राउन द्वारा अब डायरेक्टर मनोनीत होते और नियुक्तियां और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी है ना जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा बोला गया था कि हम कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे सिविल सेवाओं में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नित किस अधिनियम के तहत लॉर्ड करने वाले इसको अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था तो सत्रह का एक्ट सत्रह सौ छियासी का एक्ट लाया ही इसी के लिया गया था क्योंकि कर्नवालिस को भारत में भेजा गया था गवर्नर जनरल बना के उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई थी जिसमें उसको ये भी दिया गया था अपने काउंसिल के फैसले को रद्द कर सकता है कर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था सत्रह के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी उसको दे दिया गया अधिकार तो ये सत्रह सौ का एक्ट आया ही इसीलिए था क्योंकि कर्नवालिस को भारत भेजना था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दी किसको समाप्त किया था प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांत में जो द्वैध शासन चली आ रही थी 1919 सौ ईस्वी में जो शुरू हुआ था आरक्षित और हस्तांतरित विषय पर शासन उसको खत्म कर दिया गया 1935 के एक्ट द्वारा यहाँ पर मिलाना है आपको हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार और आनंद मठ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस आवर इंडियन मुस्लिम्स अब इसको पढ़ लेते हैं नीचे कौन कौन है तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है किसने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित है ताराचंद्र द्वारा ओके ताराचंद आनंद मठ बंकिम चटर्जी ने लिखा है सन्यासी विद्रोह आधारित है कथा ने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय जी की कृति है और आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है आवर इंडियन मुसलमान किसने लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने एवं के के दत्त ने हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना के के दत्त ने की है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीवे फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की रचना तारा चंद ने की है आनंद मंठ बगीच चटर्जी ने लिखा है प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस लिखा है राजा राम मोहन राय ने और आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्लू हंटर ने लिखा है इसी में इसने डब्लू डब्ल्यू हंटर ने सुझाव दिया दब था कि अंग्रेजी सरकार को मुसलमानों को सहयोग करना चाहिए जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से अलग हो जाएँ अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था तो इसका आंसर हो जाएगा तारक का तारकनाथ दास ने ओके यही है बैंकूवर में अमेरिका में शुरू किया था बस यही था इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है वेल, वेलेंसाइन सिरोल हैं जिसमें उन्होंने किसकी आलोचना कर दी थी लाला लाज ला, सॉरी बाल गंगाधर तिलक जी की आलोचना कर दी थी तो उन्होंने को बोल दिया था भारतीय अशांति का जन्मदाता बोल दिया था तो वेलेंटाइन सिरोल से केस लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी लंदन तक चले गए थे तीन सौ पचपन नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं तो दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ इन सब के लेखक और देवी चौधरानी इन सब के लेखक कौन हैं इन सब के लेखक चंद्र चटर्जी ही है, हैं बेहतरीन राइटर हैं आपको पढ़ना चाहिए और उनके अतिरिक्त तो और कौन कौन आनंद मठ राज सिंह वृप वृक्ष जैसे उपन्यास है इसके अलावा देवी चौधरानी है अभी ऊपर देखा दुर्गेश नंदिनी ये सब भी है निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था उन्नीस सौ में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था पटना से झंडा गीत किसने लिखा है तो श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत को लिखा है उन्नीस uh में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों के लिए तो छः वर्षों के लिए इनको जेल हो गई थी उन्नीस में है ना तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए लेख लिखने के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और छः वर्षों की सजा हुई थी मांडले में रहे थे प्रथम मांडले जेल में इनको कैद किया गया था बर्मा प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल के पदभार ग्रहण किए थे कौन थे तो सी राजगोपालाचारी थे जो गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन के बाद 1948-1950 से में स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम अंतिम गवर्न अंतिम गवर्नर जनरल यही थे इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक वे रहे थे और उन्नीस से उन्नीस तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं सी राजगोपाल जी वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं से मतभेद के कारण एक अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने स्वतंत्र पार्टी राजा जी की पार्टी का क्या नाम था स्वतंत्र पार्टी तीन सौ साठ है कौन से भारत प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं तो सबको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की संज्ञा भी दी जा गई थी सात मई अठारह सौ इकसठ को इनका जन्म हुआ था और ये चौदहवें बालक थे अपने माँ बाप के शांति केतन की स्थापना उन्नीस सौ एक में उन्होंने किया था एक विद्यालय प्रारंभ किया था उन्नीस सौ अठारह में विश्व भारती नाम से विश्वविद्यालय विख्यात मतलब एक यूनिवर्सिटी शुरू किया था वर्ल्ड लेवल का और उन्नीस सौ तेरह में गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि इन्हीं की कृति है बहुत सुंदर कविता का है किसी को क्लासिकल हिंदी पोएम पढ़ना हो जरूर पढ़ना पढ़ ही है मैंने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुति के कारण नाइनटीन में तिरुवेन्द्र बाली में भयंकर दंगे हुए थे कहाँ पर हुआ था तो किसने पेश किया था मारवा मैं इसको पढ़ देता हूँ छः जून 1899 को तिरुनेल वैली शिवकाशी तमिलनाडु में एक जगह है भयंकर दंगे हुए थे इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा की अधिकार का मांग कर रहे थे मांग पूरी न होने पर नाडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था नाडार और मारवा समुदाय दो समुदाय में संघर्ष हो गया था तमिलनाडु के तिरुवेन वैली में जातिगत आंदोलनों में से एक है जातिगत दंगा हुआ था ये भारतीय राजनीति में उन्नीस के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था तो और न असफली ने दिया था और ना असफली और उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और शुचितता के पिलानी भूमिगत होकर दो प्रमुख महिला संगठन करता थी और अली बहुत दिनों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रही हैं उन्नीस के बाद उन्नीस सो में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई पचास में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई मॉस्को मौ, की यात्रा की थी उन्नीस में दिल्ली की मेयर बनी हैं फिर पेट्राइट समाचार पत्र की स्थापना की उन्नीस के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही हैं उन्नीस के दशक तक अंतिम सरकार के वित्त तो मंत्री कौन थे तो लियाकत अली खान थे ये उन्नीस सौ ये सरसठवीं बी में पूछा है ये मैंने एग्जाम से ठीक दो दिन पहले करवाया था अपने एम सीरीज में हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे ये किसने कहा था तो सरदार पटेल जी ने कहा था ये लीग यानी मुस्लिम लीग के सामने बिहार को अकेले नहीं छोड़ सकते इसवी सन उन्नीस सौ में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था तो खाद्य और कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्री था बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद जी के पास कृषि मंत्रालय था डॉक्टर अंबेडकर जी के पास कानून और विधि मंत्रालय था अगला क्वेश्चन है कि अगस्त तो 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो पंडित महावना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी हिन्दू महासभा का जो अध्यक्ष बनारस अधिवेशन हुआ था तो उसकी बात कर रहे हैं कब हुआ था अगस्त 1923 में फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन कल मैंने बताया था खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी की थी है ना 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है फ्रंटियर गांधी को राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे बिहार में भी कहाँ वो आप लोग बताओगे मुझे रामचंद्र शर्मा किस गांव में थे किस गांव से थे तो अमहरा गांव से थे गांव का नाम पूछ लिया है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था तो ये हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था नाइनटीन में ये हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था गुटनिरपेक्ष पंचशील शांतिपूर्ण अस, सह, सह अस्तित्व तो। और अगला क्या है इनमें से कोई नहीं तो सबको पता है कौन सा दिया था इन्होंने तो गुट गुटनिरपेक्ष जिसको नाम भी कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट था एक है ना आज भी इसकी प्रासंगिकता है हर साल आई में पूछा जाता है कि गुट की प्रासंगिकता बताइए इसमें इनका साथ किस, किस, किस ने दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो यूगोस्लाविया देश का विघटन हो चुका है कई इसमें टूट चुकी है विश्व की तीसरी शक्ति के, के, के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का गठन हुआ था गुटनिरपेक्ष देश प्रथम शिखर सम्मेलन उन्नीस में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था बेलग्रेड में राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में की गई थी राज्य विभाग की स्थापना ओके पाँच जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला था उन्होंने वीपी पी मैनन उनके सचिव थे इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है सरदार पटेल पर है ना फुर्सत मिले तो पढ़ना कितने सारे बुकों का मैं नाम बता दो पढ़ने के लिए स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी तो कुर्मी जाति एक स्वतंत्रता पूर्व एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी बाकी नीतीश कुमार किसी के समय में हो गई है बताओ जाति भी पूछ रहे हैं देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अबुल कलाम आजाद जी उनका नाम है उस विद्वान का इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है यहाँ पर आएगा तो मैं बता दूंगा उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया देखो आ गया अनेक वर्ष उन्नीस सौ चालीस तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद जी की स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपाल आचार्य जी थे तीन सौ छिहत्तर पहुँच चुके हम लोग किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो सबसे पहले सत्रह में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था सत्रह सौ तिहत्तर में वॉरन हेस्टिंग्स के समय में आया था बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित किया गया था मद्रास बंबई प्रांत को उसका अंदर घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और कितना चीज़ बताऊँ और जो व्यापारी होते थे कंपनी के कर्मचारी उनके व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था डेल्यूटिंग एक्ट पारित हुआ था सत्रह में पारित हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था ये पूछा है आपसे तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट उन्नीस में पारित हुआ है ये भारत सरकार का कानून है जातिवाद के खिलाफ कानून है ये जातिवाद के खिलाफ पहला कानून यही बना था आजाद भारत उन्नीस सौ में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ओके okay, बाकी सब सारे कहाँ पर ब्रिटिश एराम पारित हुए थे भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे तो आपको पता होगा सबसे पहला कब पारित किया गया था वेलाजली के समय में उसके बाद से लिप्टन के समय में भी आया था उसके बाद से कर्जन के समय में भी आया था उस हिसाब से हम लोग आंसर लगा लेते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है अठारह सौ पैंतीस अठारह सौ में मेटकॉफ ने लाया था मैटकॉफ मेटकॉफ जिसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है पता होगा ओके अलग अलग समय पर अलग अलग अठ अठहत्तर में कौन सा आया था वर्ना पेस एक्ट लिटन के समय में आया था और इसी के द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था आगे चलते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कम सा सबसे करीबी वर्ष पहचानिए इन दोनों की स्थापना 1925 1925 में ही हुई है 1925 में तास्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है 1925 में ही हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कहाँ पर की है नागपुर में नहीं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई है और नागपुर में हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की है ओके आगे चलते हैं हेडगेवार जी जो पहले कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे कैथरीन मेयो एडल्स हक्सले चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिगवी के बीच आम रिश्ता क्या है तो उन्होंने ब्रिटिश शासन सा, के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी इन सब ने थ्री टू का क्या आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर तो आज का हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया जिसमें एटी टू थे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पॉलिटिक